हाई एवरी वन दिस इज कीर्ति वन सेगे विद यू एंड दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और की पॉइंट सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो शैक्सन इज द अर्लिएस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ द डैश स्पोकन इन इंग्लैंड एंड साउदन एंड ईस्टर्न स्कॉटलैंड इन द अर्ली मिडल एजिस यानी ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो शैक्सन सबसे अर्लिएस्ट यानी सबसे प्राचीनतम फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज की जो कि इंग्लैंड और साउथर्न ईस्टर्न स्कॉटलैंड में मिडिल एजेस में बोली जाती थी ठीक है नेक्स्ट है ओल्ड इंग्लिश वाज ब्रॉड टू ब्रिटेन बाय डैश सैटलस इन द मिड फिफ्टीन सेंचुरी यानी ओल्ड इंग्लिश को ग्रेट ब्रिटेन में किसके द्वारा लाया गया था एंग्लो शैक्सन एंग्लो शैक्सन के द्वारा इसे ग्रेट ब्रिटेन में लाया गया बेसिकली एंगल एंड शैक्सन दो ट्राइब्स के नाम हैं इनके नाम पर ही इसका नाम मतलब ओल्ड इंग्लिश का नाम एंग्लो शैक्सन इंग्लिश पढ़ा कैडमस हिम इज द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड ओल्ड इंग्लिश पोम कम्पोज बिटवीन कैडमन हिम इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे ओल्डेस्ट पोम है जो कि कम्पोज की गई थी सिक्स फिफ्टी एट टू सिक्स एट्टी ए डी के बीच में ठीक है हिम को इंग्लिश की सबसे ओल्डेस्ट पोएम माना जाता है नेक्स्ट है कैडमन सिक्स फिफ्टी सेवन टू सिक्स एट्टी फोर इज दर्लिएस्ट डैश नेम इज नोन यानी जो कैडमन है वो सबसे पुरानी इंग्लिश पोइट है जिनका नाम एग्जिस्टेंस में यानी अस्तित्व में है नोन है बाकी तो पोइट हैं उस टाइम के अनोनिमस हैं यानी किसी का वर्क है लेकिन नाम नहीं है किसी का नाम है तो उसका मतलब वर्क गायब है ठीक है इस तरह की सिचुएशन है ओल्ड इंग्लिश टाइम की नेक्स्ट है यहाँ पर द अर्लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ और हीरोइक पोम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़ इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास सबसे महान जो है एपिक पोएम कौन सी है सो ब्यूल्फ इज द ग्रेटेस्ट एपिक और हीरोइक पोएम इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नेक्स्ट है ब्यूल्फ इज एन ओल्ड इंग्लिश एपिक पोइम इन ट्रेडिशन ऑफ जर्मनिक हीरोइक लीजेंड कंसिस्टिंग ऑफ थ्री वन एटी टू डैश यानी जो ब्यूल्फ है ओल्ड इंग्लिश एपिक जिसमें तीन हजार अल्टर एक सौ बयासी लेट अल्टर <coughs>

दी ऑनली सर्टिन डेटिंग फॉर द मैनो इसक्रिप्ट ऑफ बियोल्फ कंसिडर्ड बाई लिटरेरी स्कॉलर्स इज ठीक है इस मैनो इसक्रिप्ट की जो डेट है वो लगभग नाइन सेवेंटी फाइव ए डी से वन जीरो ट्वेंटी फाइव ए डी ये कंसिडर की गई है नेक्स्ट पॉइंट है एट इस्कॉलर कॉल द एनानिमस ऑथर दियल्फ एस बियफ पोइट यानी कि जो स्कॉलर्स हैं उन्हें ब्योल्फ के पोइट के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका लेकिन हाँ जो ये पोइम जो ये एपिक है ये एग्जिस्टेंस में है इसकी डेट है लेकिन पोइट का कोई अता पता नहीं है कि हु रोड दिस पार्टिकुलर एपिक नेक्स्ट है नाइन द स्टोरी ऑफ द एपिक ब्योल्फ इज सैट इन इसकी जो स्टोरी इस है ब्योल्फ की वो सेट है पैगन स्कैंड इन दिक्स सेंचुरी ठीक है नेक्स्ट है टेन व्योर फॉज द सन ऑफ कैथियो अ वारियर ऑफ द स्वीडिश वैगमंडस नेक्स्ट पॉइंट इलेवन द फेमिनाइन प्रोनाउन सी एस सी इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन दैटर ब्रो क्रॉनिकल्स यानी कि फेमिनाइन प्रोनाउन जिसे हम सी पढ़ते हैं ओल्ड इंग्लिश में वो इस तरीके से मतलब देखने को मिलती है ये वाली जो स्पेलिंग है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हैनरी सेकेंड ऑल्सो नोन एज हैंनरी कर्टमैंटल वॉज किंग ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1154 फिफ्टी फोर अंटिल इन ठीक है हैंनरी सिक्स वो सॉरी हैंनरी सेकेंड जो कि हैंनरी कल्टमेंटल के नाम से जाने जाते हैं वो इंग्लैंड के राजा रहे उनका जो टाइम पीरियड है 11 मतलब ग्यारह सौ चौवन से लेकर उनकी जब तक डेथ नहीं हुई तब तक वो राजा रहे इंग्लैंड के ग्यारह सौ नवासी नेक्स्ट है थर्टीन द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ एलेवन सेवनटी थ्री एलेवन सेवनटी फोर वॉज ए रेबेलियन अंगेंस्ट यानि कि ग्यारह सौ तिहत्तर से लेके ग्यारह सौ चौहत्तर के बीच में एक आग, मतलब रेबल रेबेलियन हुआ था आ, ये जो राजा हैं इंग्लैंड के किंग हैं सेकेंड इनके अंगेंस्ट वो जो रेबेलियन था वो इन्हीं की फैमिली के मेम्बर्स ने इनके अंगेज़ किया था जिसमें कि इनके मतलब बेटे थे थ्री ऑफ हिस और उनकी वाइफ एलिन और एक्टेन एंड रेबल सपोर्टर रिवोल्ट अगेंस्ट हिम द रिवोल्ट एंडेड इन फेलियोर आफ्टर एटीन मंथ ठीक है लेकिन कुछ टाइम के बाद ये फेल हो गया था नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फोर्टीन एंग्लो नॉर्मल पीरियड कम्स आफ्टर द एंडिंग ऑफ एंग्नो नॉर्मल पीरियड कब आता है किसकी एंडिंग पर आता है तो ऑफकोर्स एंग्लो सेक्सन पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आता है एंग्लो नॉर्मल इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंग्लो शैक्सन ये उन लोग ये एंग, एंगल और शैक्सन जो ट्राइब्स थी उनके नाम पर इस पीरियड का नाम पड़ा ओल्ड इंग्लिश पीरियड का और इसके बाद जब इसका एंड हुआ वन जीरो सिक्स सिक्स में एक बैटल हुआ था ठीक है उसमें जो एंगल सेक्शन के लास्ट किंग थे उन उनको मतलब हरा दिया गया था ये फ्रांस की आ, फ्रांस के राजा हैं नॉर्मंडी के विलियम दी कॉन्कर उन्होंने उनको हराने के बाद इंग्लैंड में उन्होंने एंगनो नॉर्मल पीरियड की शुरुआत की नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द नॉर्मन लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ ठीक है नॉर्मन लैंग्वेज को इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस कराया गया तो नॉर्मन जो लैंग्वेज है बेसिकली ये फ्रांस लैंग्वेज है ठीक है क्योंकि विलियम दी कॉन्कर फ्रांस के थे उन्होंने जब उनका शासन स्टार्ट हो गया इंग्लैंड के ऊपर तो उन्होंने जो है इस लैंग्वेज से यानी कि फ्रांस लैंग्वेज से इंग्लैंड को आ, मतलब इंट्रोड्यूस कराया नेक्स्ट पॉइंट है सिक्सटीन ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश इंग्लिश बिकेम द नेटिव टंग ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड यानी किस राजा के राज्यकाल में जो है इंग्लिश है वो नेटिव टंग बनी इंग्लैंड की राजाओं की ठीक है तो ऊपर जो है फ्रांस जब जब फ्रांस का शासन चल रहा था इंग्लैंड पर तो आ, जो इंग्लैंड की लैंग्वेज है मतलब जो कोर्ट लैंग्वेज थी इंग्लैंड की वो फ्रांस मतलब ये वाली हो गई थी फ्रांस लैंग्वेज लेकिन बाद में जो हैनरी फोर्थ राजा बने इंग्लैंड के तो इनके टाइम पीरियड पर जो है इंग्लिश जो है ये यहाँ की नेटिव टंग बन गई यहाँ के राजाओं की नेक्स्ट है सेवेंटीन विच मोमेंट इज द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन दिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ओके हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में कौन सा मोमेंट है जो सबसे ग्रेटेस्ट मोमेंट माना जाता है सो दिस इज रैनेसा रैनेसा मोमेंट इज द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नेक्स्ट पॉइंट पॉइंटीन विच मोमेंट मेड पीपल कॉन्सियस ऑफ देयर ओन पावर ये कौन सा मोमेंट था जिसने लोगों को खुद के बारे में कॉन्सियस किया ये मोमेंट था रैनसा मोमेंट नेक्स्ट है इन विच सेंचुरी रैनसा टुक बर्थ इन इंग्लैंड इंग्लैंड में रैनसा कब स्टार्ट हुआ सो मिडिल ऑफ फिफ्टीन सेंचुरी इट स्टार्ट इन इंग्लैंड नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है ट्वेंटी वॉट डज रानसा मीन रानसा का क्या मतलब होता है सो so, रैनसा एक फ्रेंच टर्म है जिसे फ्रेंच लैंग्वेज से बोरो किया गया था जहाँ इसका मतलब होता है रीवर्थ ठीक है फर्स्ट टाइम इसे एटीन सेंचुरी में यूज़ किया गया था जूस मिकलेट के द्वारा जो कि एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे इन्होंने अपनी आ, अपनी वर्क हिस्टोरी थी फ्रांस में इसे यूज़ किया था ठीक है तो रैनसा का मतलब होता है रीबर्थ पुनर्जन्म नेक्स्ट पॉइंट है ट्वेंटी वन रैनिसा वॉज रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंसियंट यानी कि जो रैनिसा है रैनिसा का मतलब हमने जाना कि रीबर्थ है तो उसमें रीबर्थ हुआ किस चीज़ का था तो उसमें क्लासिक लर्निंग का रीबर्थ हुआ था क्लासिक लर्निंग, लर्निंग कौन सी यानी कि ग्रीक रोमन एंड इटालियन लिटरेचर इनका रीबर्थ हुआ था नेक्स्ट है ट्वेंटी टू इन विच कंट्री रैनसा टुक बर्थ कौन सी कंट्री में इस जो है इसक, इसका इसका उदय हुआ सो so, ये था इटली रेनेसा बिगेन इन द फोर्टीन सेंचुरी इन फ्लोरेंस इटली नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच कंट्री बिकेम ए सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर सो इटली बिकम अ सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर नेक्स्ट है ट्वेंटी फोर रहनेसा मोमेंट गिव अ न्यू कंसेप्शन ऑफ मैन वॉट वॉज दैट कंसेप्शन जो रैनसा मोमेंट था उसने एक नया कंसेप्शन दिया लोगों को वो कंसेप्शन क्या था सो दैट कंसेप्शन वॉज ह्यूमनिज़्म नेक्स्ट Next, point 25. Humanism is applied to the revival classical literature. Renaissance humanism was a revival in the study of classical antiquity at first in Italy and then spreading across Western Europe in the 14th, 15th and 16th centuries. Next, here. ट्वेंटी सिक्स इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस किस कंट्री में जो है प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन आविष्कार हुआ था तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जर्मनी में हुआ था इन फोटीन फोटी चौदह सौ चालीस में गोल्ड स्मिथ जॉन्स गुटनबर्ग के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था इन जर्मनी नेक्स्ट है इन रैनेसा मूवमेंट विच थिंग गेव इट्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रेनेसा मूवमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया था तो वो थी प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ही इस मोमेंट को जो है गति मिली थी इन जर्मनी अराउंड फोर्टीन फोर्टी गोल्ड स्मिथ जॉन्स गुटनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिटिंग प्राइस विच स्टार्ट द प्रिटिंग रेवोल्यूशन जिसकी वजह से जो गुटनबर्ग में ये गुटनबर्ग के द्वारा इन्वेंट किया गया इसको और इसके बाद जो है प्रिंटिंग प्रिंटिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई नेक्स्ट है ट्वेंटी एट हु फर्स्ट यूज एंड डिफाइन द टर्म रानासा राना सा को फर्स्ट यूज करने वाले और डिफाइन करने वाले कौन थे सो जूस मिकलेट अ फ्रेंच हिस्टोरियन

बोकेशियो भी ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे इनके अलावा दंते एलेगरी को डिवाइन कॉमेडी के लिए जाना जाता है और बोकेशियो को डैका मॉरन के लिए जाना जाता है नेक्स्ट है थर्टी पॉइंट हु एस्टिब्लिज प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड अब इंग्लैंड मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस है इसका इन्वेंशन तो चौदह सौ चालीस में हो गया था जर्मनी में लेकिन इंग्लैंड में कब इसको एस्टिब्लिस किया गया था किसने किया था तो विलियम कैक्सटन विलियम कैक्सटन थे जिन्होंने इसे इंग्लैंड में एस्टेब्लिश किया था विलियम कैक्सटन 1422 ट्वेंटी टू टू फोरटीन नाइन्टी वन वॉज एन इंग्लिश मर्चेंट डिप्लोमैट एंड राइटर ही इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन टू इंग्लैंड इन फोर्टीन सेवनटी सिक्स यानी चौदह सौ छिहत्तर में उन्होंने इसे कराया नेक्स्ट है थर्टी वन हु मार्क अराइवल ऑफ राना इन इंग्लैंड सो जॉफरी चौसर मार्क्स अराइवल ऑफ राना इन इंग्लैंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इंग्लिश पोइट्री के फादर के रूप में किसे जाना जाता है सो जॉफरी चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री नेक्स्ट है थर्टी थ्री विच इज रैनासाह इन्फ्लुएंस मच रैनासाह ने किस एज को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था सो so, सबसे ज्यादा प्रभावित किया था इसने एलिजाबेथन एज को क्योंकि जब भी इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में इंग्लैंड में जब रैनेसा स्टार्ट हुआ था तभी से ही एलिजाबेथन एज की शुरुआत हो गई थी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला एज था एलिजाबेथन नेक्स्ट नेक्स्ट है थर्टी फोर द फर्स्ट बुक दैट वाज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन इंग्लैंड रैनेसा के प्रभाव में सबसे पहली बुक कौन सी लिखी गई थी नेक्स्ट है थर्टी फोर द फर्स्ट बुक दैट वाज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन इंग्लैंड रहनेसा के टाइम पर सबसे फर्स्ट बुक कौन सी है जो इंग्लैंड में लिखी गई दैट वॉज यूटोपिया फिफ्टीन सिक्सटीन जिसे फिफ्टीन सिक्सटीन में लिखा गया था टॉमस मोर के द्वारा और सबसे पहले जब इन्होंने इसे लिखा था तो ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी बाद में बाद में से राल्फ रॉबिन्सन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था नेक्स्ट है थर्टी फाइव हु रोट यूटोपिया यूटोपिया को लिखा किसने था सो so, हमने भी पढ़ा टॉमस मोर रोट यूटोपिया इन फिफ्टीन सिक्सटीन Next year thirty-six which movement? Next year thirty-six which movement especially known for making uh, religion free from corruption and superstitious thought? Reformation. Next year thirty-seven at the time of Reformation movement, English king was dominated by Reformation Movement. नेक्स्ट है थर्टी सेवन एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन मोमेंट इंग्लिश किंग वॉज डोमिनेटेड बाय सो इंग्लिश इस टाइम पर इंग्लिश किंग जो है डोमिनेट किया जाता था रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा नेक्स्ट है थर्टी एट इन विच सेंचुरी वायलेंट क्लैशिज वर फाउंड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट इन सिक्सटीन सेंचुरी सिक्सटीन सेंचुरी में जो है क्लासेस क्रिएट हो गए थे कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट के बीच बेसिकली ईसाई धर्म की दो शाखाएं प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक नेक्स्ट है थर्टी नाइन हु हैज दी अथॉरिटी ऑन इंग्लिश चर्च बिफोर सिक्सटीन सेंचुरी सो पॉप हैज़ दी अथॉरिटी ऑन इंग्लिश चर्च बिफोर सिक्सटीन सेंचुरी यानी सिक्सटीन सेंचुरी के बाद तो ये सब बैन हो गया था उससे पहले जो इंग्लिश चर्च है उसके ऊपर जो अथॉरिटी थी वो पॉप की थी पॉप की रहती थी यानी रोमन कैथोलिक चर्च नेक्स्ट है थर्टी नाइन हु हैज़ दी अथॉरिटी ऑन इंग्लिश चर्च बिफोर सिक्सटीन सेंचुरी यानी सिक्सटीन सेंचुरी से पहले जो इंग्लिश चर्च थे उनके ऊपर किसकी अथॉरिटी थी तो पॉप की अथॉरिटी उनके ऊपर रहती थी पॉप को कौन माना जाता था पॉप होता था कैथोलिक जो चर्च होते हैं उसका लीडर होता था पॉप और बिशप होता था रोम का जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा ये मान्यता थी कि जो बिशप है यानी जो पॉप है वो भगवान के सीधे कौन है अवतार है धरती पर नेक्स्ट है फोर्टी इन विच मोमेंट इन इंग्लैंड दी चर्च ब्रोक अवे फ्रॉम दी अथॉरिटी ऑफ पॉप एंड रोमन कैथोलिक चर्च ठीक है किस मोमेंट के दौरान इंग्लैंड में जो चर्चेज मतलब जो अथॉरिटी थी पॉप की और रोमन कैथोलिक चर्च की जो अथॉरिटी चलती थी इंग्लैंड में उसको हटा दिया गया तो रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट चला था इंग्लैंड में उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ से जो रोमन कैथोलिक चर्च और जो पॉप का जो बोलबाला चलता था वो हटा दिया गया था बेन कर दिया था एक, एक आ, एक्ट के द्वारा नेक्स्ट है फोर्टी वन विच मोमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंग्लैंड कौन सा मोमेंट था ये जिसे रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है सो so, ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट था नेक्स्ट है फोर्टी टू इन रिफॉर्मेशन मोमेंट वन कैन फाइंड जो रिफॉर्मेशन मोमेंट हुआ था इंग्लैंड में इसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी यानी क्या क्या पॉइंट थे द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडोलिज्म यानी कि फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद का अंत हो गया था द राइज ऑफ नेशनलिज्म नेशनलिज्म का उदय हुआ द राइज़ ऑफ कॉमन लॉ और कॉमन लॉ का उदय हुआ पहले क्या था कि जो सोसाइटी थी वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी ठीक है फिर इसको अंत कर दिया गया फिर ऐसा कुछ भी नहीं था सब लोग कॉमन हो गए नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड आइडियाज एमंग द अपर एंड मिडिल क्लास फाउंड इन विच मोमेंट रेनेसा नेक्स्ट चर्च सो मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर थे जो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट खड़े हुए यानी कि यही थे इस मोमेंट uh, के लीडर जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलाया गया था जो कि पॉलिटिकल मूवमेंट था उसके लीडर थे मार्टिन लूथर ठीक है मार्टिन लूथर एक जर्मन प्रिस्ट थे ही वाज रिलीजियस रिफॉर्मर कैटालिस्ट ऑफ दिक्सटीन सेंचुरी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन नेक्स्ट है फोर्टी फाइव हाउ मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट फास्ट डॉक्टर आइन ऑफ कैथोलिक चर्च जो कैथोलिक चर्च के झूठे सिद्धांत थे उनके अगेंस्ट उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया था ठीक है तो उन्होंने बाई नीलिंग अप अ लिस्ट ऑफ हिज क्रटिसिज्म अपनी क्रटिसिज्म लिस्ट को नील अप करके इसको जो है प्रोटेस्ट किया था इसका नेक्स्ट है फोर्टी सिक्स ऑन विच चर्च डोर मार्टिन लूथर अप इज लिस्ट ऑफ क्रटिसिज्म किस डोर पर उन्होंने अप किया था अपनी क्रटिसिज्म लिस्ट को सो विटन वर्ग ये कहाँ है जर्मनी द रिफॉर्मेशन इज यूजली डेटेड टू थर्टी फर्स्ट ऑक्टूबर फिफ्टीन सेवनटीन इन विटन वर्ग सैक्सनी वेन लूथर सैंट हिज नाइन्टी फाइव थीसेस ऑन एंड इफिकेसी ऑफ इंडलनेस the reformation is usually dated to 31st october 1517 in wittenberg, Saxony when luther sent his 95 theses on the power of efficacy of indulgence to the archbishop of mainz. the theses debated and criticized the church and the papacy. ठीक है ये थीसिस थी उन्होंने जो डेट है इस आंदोलन की ये मानी जाती है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर और फिफ्टीन सेवन और थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को रिफॉर्मेशन डे भी वहाँ पर मनाया जाता है नेक्स्ट है फोर्टी सेवन इन विच ईयर मार्टिन लूथर ने तो ईयर हमने ऊपर पढ़ा था थर्टी फर्स्ट अक्टूबर मतलब डेट थर्टी फर्स्ट अक्टूबर और ईयर थी फिफ्टीन सेवनटीन जब उन्होंने अपनी लिस्ट को ने, नेलअप किया था जो कि नाइन्टी फाइव ठीक है उसमें थीसेस मतलब पेजेस थे नेक्स्ट है फोर्टी एट इन विच सेंचुरी आ डिसकंटेंट एंड रिवॉल्ट द पोप चर्च हैज बीन स्टार्टेड इन इंग्लैंड यानी कौन सी सेंचुरी थी वो जब लोगों के मन में एक डिसकंटेंटमेंट यानी असंतोष और रिवोल्ट की भावना जो है जागृत हो गई थी वो थी फोर्टीन सेंचुरी 14 सेंचुरी का ये टाइम पीरियड है जब लोगों में इस कैथोलिक चर्च से मतलब वो लोग असंतुष्ट हो गए थे उनमें मतलब एक असंत आ, मतलब असंतोष की भावना जो है जन्म लेने लगी थी जब फोर्टी नाइन हो फर्स्ट अटैक द पैपेसी एंड द प्रिंग करप्शन इन चर्च प्रवेलिंग करप्शन इन चर्च और पैपेसी पर अटैक करने वाले फर्स्ट कौन थे इंग्लैंड में सो so, ये थे जॉन वाइक्लिफ जो इन्हें इसीलिए मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है जॉन वाइक्लिफ नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी हु हुई कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है सो ऑफकोर्स वाइक्लिफ इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन हु फर्स्ट अटैक ऑन पैपेसी एंड रोमन कैथोलिक चर्च क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन है वॉट इज द टर्म विच इज़ यूज फॉर द फॉलोअर ऑफ़ जॉन वाइक्लिफ जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर को एक टर्म दिया गया था वो कौन सा टर्म था तो फाइकलिफ के फॉलोअर्स को लॉलार्ड्स कहा जाता है और ये एक डेरोगेटरी टर्म था नेक्स्ट है फिफ्टी टू विच इंग्लिश किंग पैट्रोनाइज प्रोटेस्टेंटिज्म इन इंग्लैंड यानी कौन सी इंग्लिश किंग ने प्रोटेस्टेंटिज्म को इंग्लैंड में पैट्रोनाइज किया यानी संरक्षण प्रदान किया तो प्रोटेस्टेंटिज्म को इंग्लैंड में संरक्षण देने वाले थे हैंनरी एर्थ यानी उन्हीं की देखरेख में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था ये जो पैट्रो प्रोटेस्टेंटिज्म है ये स्टार्ट हुआ था इनके ही सामने नेक्स्ट है फिफ्टी थ्री वाइक्लिव बाइबल इज द नेम नाउ गिविन टू अ ग्रुप ऑफ बाइबल ट्रांसलेशन इन टू मिडिल इंग्लिश दैट were मेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ जॉन Wycliffe दिस ट्रांसलेशन appeared ओवर ए पीरियड फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली ठीक है जॉन वाइक्लिफ के अंडर ये जो ट्रांसलेशन का वर्क शुरू हुआ था बाइबल का ये किस टाइम पर हुआ था थर्टीन एटी टू टू थर्टीन नाइनटी फाइव में ये स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट है फिफ्टी फोर लोलाडी ऑल्सो नोन एज लोलाडिज्म और द लोलार्ड मोमेंट लोलार्डी को ही लोलाडिज्म और लोलार्ड मोमेंट के नाम से भी जाना जाता है वो ऑज ए प्रोटो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजियस मोवमेंट जो कि एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजियस मोमेंट था दैट एगजस्टेड फ्रॉम द मिड फोर्टीन सेंचुरी अनटिल दिक्कसटीन सेंचुरी इंग्लिश रिफॉर्मेशन जो कि फोर्टीन सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और सिक्सटीन सेंचुरी तक कंटिन्यू रहा था इट वॉज इनिशियली लेड बाय जो जिसकी शुरुआत की गई थी अ रोमन कैथोलिक थियोलॉजियन हु वॉज डिसमिस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन थर्टीन एटी वन फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च ठीक है तो ये जॉन वाई क्लिफ थे जिन्होंने ये रिलीज ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजियस मूवमेंट था जिसे लेट किया था फोर्टीन सेंचुरी में इन्होंने स्टार्ट किया था जो कि सिक्सटीन सेंचुरी तक चला जो कि थियोलॉजियन थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे ठीक है तो इन्होंने रोमन एक रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया था इसकी वजह से इन्हें इस यूनिवर्सिटी से डिसमिस कर दिया गया था इसीलिए इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी बोला जाता है नेक्स्ट है फिफ्टी फाइव पायर्स प्लोमैन रिटर्न थर्टीन सेवेंटी टू नाइन्टी इज़ मिडिल इंग्लिश एलोगरिकल नैरेटिव पोइम ठीक है जो पायर्स मैन है मिडिल इंग्लिश एलोक एलोगेिकल नैरेटिव पोइम है जो किसके द्वारा लिखी गई तो ये लिखी गई थी विलियम लैंगलैंड के द्वारा जो कि जॉफ्री चौसर के कंटेम्प्रेरी पोइट माने जाते हैं नेक्स्ट है फिफ्टी सिक्स द कैंटरबरी टेल्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ ट्वेंटी फोर स्टोरीज दैट रन टू ओवर सेवनटीन थाउजेंड लाइन रिटिन इन मिडिल इंग्लिश बाय डैश बिटवीन थर्टी एटी सेवन एंड फोटीन हंड्रेड ठीक है तो कैंटरवरी टाइल्स क्या है ट्वेंटी फोर स्टोरीज का एक कलेक्शन था ये जो वर्क था मिडिल इंग्लिश का बहुत पॉपुलर वर्क है जिसके राइटर हैं जॉफ्री चौसर ठीक है जो कि मिडिल एज के सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर हैं जिसमें टोटल जो लाइंस थी वो थी सेवनटीन थाउजेंड लगभग सत्रह हज़ार इसमें इस वर्क में उनकी लाइंस थी नेक्स्ट है फिफ्टी सेवन कन्फेशियो एमेंटिस द लवर कन्फेशन इज अ थर्टी थ्री थाउजेंड लाइन मिडिल इंग्लिश पोएम ठीक है ये भी एक मिडिल इंग्लिश पोएम है जिसमें तैंतीस हजार टोटल लाइन्स थी एम एमेंटिस जॉन गोवर का वर्क है ये

परफॉर्म्ड बाय ए रिलीजियस ग्रुप लिटर्जी प्लेज वर परफॉर्म्ड बाय ये जो प्ले थे लिटर्जी प्ले ये किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते थे तो ये पहले चर्च में ही परफॉर्म होते थे चर्च पीपल्स के द्वारा ही ये परफॉर्म किए जाते थे नेक्स्ट है सिक्सटी इन विच एज मिरेकल प्लेज वर रिप्रेजेंटेड किस एज में मेरेकल प्लेज को रिप्रेजेंट किया गया था फिफ्टीन एंड सिक्सटीन सेंचुरी नेक्स्ट है सिक्सटी वन वॉट वॉज रिप्रजेंटेड इन द मेरिकल प्लेस मेरिकल प्लेस में क्या दिखाया जाता जा था लाइफ ऑफ सेंट लाइफ ऑफ सेंट लाइफ ऑफ मर ठीक है जो सेंट्स लोग होते हैं उनके जीवन के बारे में इसमें दिखाया जाता था नेक्स्ट है सिक्सटी टू अ मेरिकल प्लेस रिप्रेजेंट अ रियल और फिक्सियस अकाउंट ऑफ द डैश ऑफ ए सेंट ठीक है तो जो मेरेकल प्लेस थे उनमें बेसिकली जो सेंट होते हैं उन्हीं की लाइफ के बारे में दिखाया जाता था तो ये चाहे वो आ, रियल इंसिडेंट हो या फिक्सियस हो लेकिन वो होती किसके बारे में थी एक सेंट की लाइफ के बारे में उसके मेरेकल्स क्या क्या उसने अपनी लाइफ में मतलब उसकी लाइफ कैसी थी उसने अपने जीवन में क्या क्या मेरेकल्स किए क्या क्या चमत्कार दिखाए और उसका जो मैर्डम था उसको ही इसमें दिखाया जाता था वो चाहे फिर रियल हो या फिर फिक्सियस हो नेक्स्ट है सिक्सटी थ्री इन इंडिया विच टाइप ऑफ मिरेकल प्लेज आर परफॉर्म इंडिया में किस टाइप के मिरेकल प्लेज दिखाए जाते हैं परफॉर्म किए जाते हैं तो जैसे रामलीला कृष्ण लीला रास लीला ये ये जो प्ले होते हैं ये एक टाइप से मिरेकल प्लेज होते हैं जो इंडिया में परफॉर्म होते हैं जिसमें रामचंद्र भगवान जो थे हमारे उनका जीवन के बारे में दिखाया जाता है फिर उन्होंने मतलब क्या क्या मतलब क्या क्या मरक्कल दिखाए किस तरीके के उन्होंने मतलब अपनी लाइफ में जो मरक्कल किए वो सब इसमें दिखाया जाता है ठीक है और उन्होंने किस तरह से मतलब आ, महान उनके जो कार्य थे रावण को कैसे मारा ये सारी चीज़ें तो वही बिल्कुल जैसे सेंट लोग करते थे सेंट को भी बेसिकली जो ईसाई धर्म है उसमें भगवान का अवतार माना जाता था तो जो सेंट लोग होते थे फिर वो क्या क्या उन्होंने चमत्कार किए वो सारा फिर इन प्ले के माध्यम से वहाँ इंग्लैंड में दिखाया जाता था नेक्स्ट है सिक्सटी फोर वे आर द मेरिकल प्लेज व परफॉर्म इन द बिगनिंग तो स्टार्टिंग में ये जो प्ले थे मेरेकल प्लेज या कहाँ पर ये परफॉर्म किए जाते थे बेसिकली तो ये चर्च के अंदर ही परफॉर्म होते थे लेकिन बाद में फिर ये बाहर फिर और बाहर होने लगे लेकिन स्टार्टिंग इनकी चर्च से ही हुई थी नेक्स्ट है सिक्सटी फाइव हु वर एक्टेड इन द मेरिकल प्लेस ठीक है तो चर्च में ये परफॉर्म होते थे और इनमें जो एक्ट कर मतलब एक्टिंग करने वाले लोग भी चर्च के ही होते थे यानी चर्च मैन ही होते थे जो इन प्लेस के अंदर एक्टिंग करते थे सो चर्च मैन नेक्स्ट पॉइंट है सिक्सटी सिक्स होज़ लाइफ वॉज वॉज़ वर मोस्टली रिप्रजेंटेड इन मेरेकल प्लेस तो किसकी लाइफ इसमें ज़्यादातर मोस्टली दिखाई जाती थी मेरेकल प्लेस में तो वर्जिन मैरी सेंट निकोलस पोप ये सारे क्या हैं सेंट हैं जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है इन्हीं की लाइफ को इसमें दिखाया जाता था नेक्स्ट है सिक्सटी सेवन मिस्ट्री प्लेस डील विद जो मिस्ट्री प्लेस थे वो क्या मतलब उस वो किससे रिलेटेड होते थे तो बिब्लिकल सब्जेक्ट यानी कि जो मेरेकल प्लेस हैं उनकी जो थीम थी वो सैंट से रिलेटेड होती थी यानी कि जो सैंट लोग हैं उनकी लाइफ क्या उनका मिरेकल क्या हुए उनकी लाइफ में उनका मटायरडम क्या था ठीक है एंड मिस्ट्री प्लेस जो थे उसमें क्या था बिब्लिकल यानी उसकी जो थीम होती थी वो बाइबल से बाइबल से ली गई होती मतलब बाइबल पर बेस्ड होती थी नेक्स्ट है सिक्सटी एट हु बैंड इंग्लिश मेरिकल प्लेस कौन था जिसने इंग्लिश मेरिकल प्लेस को बैन किया ठीक है तो ये हैंनरी एट्थ थे हैंनरी एर्थ को प्रॉब्लम थी रोमन कैथोलिक चर्च उनके रूल रेगुलेशन से और बेसिकली उन्होंने ये प्लेस स्टार्ट किए थे क्योंकि वो जो इल रिटेट पीपल हैं उन तक वो अपनी जो ये जो ये जो आ, ये जो रूल्स थे उनके उनके शाही धर्म के वो पहुंचाना चाहते थे है ना लेकिन हैंनरी एर्थ को इससे बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि इसमें बहुत से रूल इतने ज़्यादा मतलब सख्त थे जिनका पालन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था तो उन्हें इस इससे प्रॉब्लम थी इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म का जो है समर्थन किया और आ, बाद में फिर उन्होंने एक एक्ट के द्वारा इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था इंग्लैंड से और ख़ुद को ही सुप्रीम घोषित भी किया था और उन्होंने ही मेरेकल प्लेस को बैन किया था ओके नेक्स्ट है सिक्सटी नाइन वॉट इज़ दी अदर नेम ऑफ़ मॉरेलीटी प्लेस जो मॉरलिटी प्लेस थे उनको हम और किस नाम से जानते हैं तो हम उन्हें इंटरल्यूट के नाम से जानते हैं नेक्स्ट है सेवनटी विच टाइप ऑफ प्लेस वर मॉरलिटी प्लेस ठीक है अभी हम जो ऊपर पढ़ रहे थे वो मैकल प्लेस थे अब हम ये बात कर रहे हैं हम मॉरेटी प्ले की कर रहे हैं तो जो मॉरेटी प्ले थे वो किस टाइप के प्ले होते थे तो बेसिकली ये एक टाइप से एलगरी होते थे नेक्स्ट है सेवनटी वन इन विच सेंचुरी मॉरेलीटी प्ले डेवलप ये कब डेवलप हुए किस सेंचुरी में सो अराउंड फिफ्टीन सेंचुरी मॉरेटी प्लेस आर डेवलप नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू हाउ मैनी सीन्स रिप्रेजेंटेड इन मॉरेटी प्लेस मॉरेटी प्लेस में कितने सीन्स को दिखाया जाता था तो टोटल ये सेवन सेंस होते थे जिन्हें मॉरलिटी प्ले में दिखाया जाता था क्योंकि मॉरलिटी प्ले एक तरह के एलोगरी प्ले होते थे ठीक है जो प्रतीकात्मक प्ले होते हैं जिसमें कोई आ, मतलब ठीक है सिंबल सिंबल के रूप में ये जो सेवन सिंस हैं इन्हें दिखाया जाता था तो ये सेवन सिंस कौन कौन से होते थे तो ये वही जो हमारे हिंदी में भी मतलब इंडिया में भी होते हैं वही क्रोध ईर्ष्या लोभ अहंकार ये जो सारे सेवन सीन्स हैं वही इंग्लिश में भी हैं वही जैसे दीज आर लस्ट ग्लूटनी ग्रीड लालच स्लॉथ यानी आलस रेत मानी गुस्सा होता है एने वी है ना प्राइड तो ये सारे सेवन सेंस थे जो कि मॉरल्टी प्लेस के अंदर दिखाई जाते थे ठीक है नेक्स्ट है सेवनटी थ्री विच टाइप ऑफ प्ले इज़ एवरी मैन तो एवरी मैन कौन किस टाइप का प्ले है तो एवरी मैन एक मॉरेल्टी प्ले है ठीक है मॉरलिटी प्ले नेक्स्ट है सेवेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टर दैट अकर इन एवरी मैन कौन से करेक्टर जो ये जो प्ले है ना एवरी मैन इसके करेक्टर्स हैं एवरी मैन मैसेंजर गॉड डेथ फेलोशिप किनड्रेट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी करैक्टर्स दैट अकर इन एवरी मैन एवरी मैन ये जो प्ले था ना मॉरल्टी इसमें कौन कौन से करैक्टर थे उनका ये जो है लिस्ट है जैसे एवरी मैन मैसेंजर गॉड डैथ फेलोशिप है ना काइंड्रेड कजिन गुड्स बोअल्फ गुड डीट्स विजडम कन्फ्यूशन ब्यूटी स्ट्रेंथ डिस्केशन फाइव विट एंगल डॉक्टर्स नेक्स्ट पॉइंट है सेवेंटी फाइव वॉट इज द मीनिंग ऑफ विट विट का क्या मतलब होता है तो विट का मतलब वैसे तो बुद्धि है बुद्धि से है यानी कि ऐसी बुद्धि जो हर किसी के पास नहीं होती ठीक है हर किसी मतलब बुद्धि कई प्रकार की होती है एक होती है सामान्य बुद्धि एक होती है स्पेशल बुद्धि ठीक है तो सामान्य बुद्धि सबके पास होती है सामान्य से जो अलग होती है वो होती है विट है ना तो ऐसे लोग स्कॉलर की कैटेगरी में आते हैं तो बेसिकली ये एक सिक्सटीन सेंचुरी में एक ग्रुप ऑफ पोइट था जिसे ज, जो यूनिवर्सिटी से पास आउट थे इसीलिए उनको स्कॉलर की कैटेगरी में रखा जाता था तो उन्हें एक फ्रेज़ दिया था यूनिवर्सिटी विच ठीक है यूनिवर्सिटी इसका मतलब इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्कॉलर है जैसे क्रिस्टोफर मार्लो रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नेस फ्राम कैम्ब्रिज ये तीनों लोग कैम्ब्रिज से थे एंड जॉन लेली थॉमस लॉर्स एंड जॉर्ज पीले फ्राम ऑक्सफर्ड ये तीन है ना ऑक्सफोर्ड से से ऑक्सफोर्ड ये तीन है ना ऑक्सफोर्ड से थे थॉमस किड ऑल्सो समटाइम इंक्लूड इन दी ग्रुप दो ही वॉज नॉट फ्राम एनी ऑफ द एवर मैं यूनिवर्सिटी ठीक है लेकिन ये छः लोग थे जो यूनिवर्सिटी से थे एंड सैवन वाले सेवन नंबर पर थे थॉमस किड जो किसी यूनिवर्सिटी से तो नहीं थे लेकिन इन्हें भी ठीक है यूनिवर्सिटी विट या फिर स्कॉलर की कैटेगरी में रखा जाता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स हु प्रिपेयर अ सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर शेक्सपियर के लिए एक सॉलिड ग्राउंड बनाकर किसने दिया था तो यूनिवर्सिटी विट प्रिपेयर ए सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर ये यूनिवर्सिटी विट थे जिन्होंने शेक्सपियर को एक बेस दिया था क्योंकि इन्हीं के वर्क्स को पढ़ 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 के लिख लिख कर ही शेक्सपियर को वो नॉलेज आ गई जिसके बाद उन्होंने अपने प्ले लिखना शुरू किया और इन्हीं के वर्क से ही उन इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सोर्स जो है ली थी नेक्स्ट है सेवनटी सेवन हु वॉज द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट ये जो ये स्कॉलर का जो ग्रुप था इसके लीडर कौन थे तो इसके लीडर थे क्रिस्टोफर मार्लो कस्टोफर मार्लो फिफ्टीन सिक्सटी फोर फिफ्टीन नाइनटी थ्री वॉज एन इंग्लिस प्ले राइट पोइट एंड ट्रांसलेटर ऑफ़ द एलेजावेथन इरा बाई एस फोर्टीन मार्लो अटेंडेड द किंग स्कूल कैंटरबरी ऑन स्कॉलरशिप एंड टू ईर लेटर कॉर्पस क्राइस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज वेयर ईल्सो स्टडी ऑन स्कॉलरशिप एंड रिसीव्ड इज बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री इन फिफ्टीन एटी फोर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट थे और इनका जो जन्म है वो फिफ्टीन सिक्सटी फोर में हुआ था सेम ईयर एज विलियम शेक्सपियर लेकिन इनकी जो डेथ है वो बहुत जल्दी हो गई थी क्योंकि इनका मर्डर हुआ था ट्वेंटी नाइन की एज में ही इनकी डेथ हो गई थी नेक्स्ट है सेवेंटी एट यूनिवर्सिटी विथ हु मेंबर दोस्ट टूक हिज एजुकेशन फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ठीक है यूनिवर्सिटी विथ मैंबर में से कौन से मेंबर्स थे वो जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन ली थी तो ये तीन थे क्रिस्टोफर मार्लो रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश ऑल ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज ये तीनों की तीनों कैम्ब्रिज से पास आउट थे जबकि जॉन लिली जबकि थ्री ऑफ विट जॉन लिली थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील व ग्रेजुएट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बाकी के जो तीन थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे क्वेश्चन नंबर एटी विच राइटर समटाइम्स कंसीडर एज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विथ इनमें से कौन से राइटर है जिसे यूनिवर्सिटी विथ कंसिडर किया जाता है वैसे वो है नहीं थॉमस किट थे वो जिन्हें यूनिवर्सिटी विथ माना जाता है बट वो किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं थे नेक्स्ट है एटी वन हु रोड द प्ले डॉक्टर फोस्टस डॉक्टर फोस्टस प्ले किसने लिखा था सो so, क्रिस्टोफर मार्लो रोड द प्ले डॉक्टर फोस्टस ये उनका बहुत ही फेमस प्ले है बाकी ठीक है इसके अलावा उन्होंने सिक्स प्ले और लिखे थे जो चाहे वो खुद ने अकेले लिखे हों या फिर किसी के कॉलाबोरेशन में लिखे हों तो वो सिक्स प्ले की लिस्ट ये है डीडो क्वीन ऑफ कार्थेस को डिटन विथ थॉमस नेस के साथ मतलब आ, कोलोबरेट कोलोबोरेशन है ये उनका टम्बरलिन पार्ट वन एंड पार्ट सेकेंड ये उन्होंने खुद से लिखा था द जू ऑफ माल्टा द जू ऑफ माल्टा जो है विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस है ना उसकी सोर्स उन्होंने यहीं से ली थी डॉक्टर फोस्टस एडवर्ड सेकंड एंड द दि एट पैरिस ये छः के छः प्ले हैं जो लिखे गए थे आ, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा नेक्स्ट है एटी टू हु द प्ले अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर किसके द्वारा लिखा गया थॉमस नेस रोट दी प्ले अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर जो कि एक क्यू नॉवल है ठीक है अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन ये इसका सब टाइटल है और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एट्टी थ्री हु रोड द प्ले द स्पेनिश ट्रेजडी स्पेनिश ट्राजडी किसने लिखा था ये थॉमस किड ने लिखा था ठीक है जिसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में एक नई जॉन्ड्रा एस्टेब्लिश हुई रिवेंस प्ले और रिवेंज ट्रेजेडी जिस पर कि जो विलियम शेक्सपियर है उनका हैमलेट प्ले, प्ले बेस्ड है इसका भी सब है हाइरोमो इज मेड अगेन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट फॉलोड द जनरी फाउंडेड इन इंग्लिश बाई थॉमस किट किट्स प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी यानी कि जो शेक्सपियर का प्ले हैमलेट है वो उस जॉन्ड्रा को फॉलो करता है जो फाउंडेड की गई थी इंग्लिश लिटरेचर में थॉमस किड का जो प्ले है द स्पेनिश ट्रेजेडी के माध्यम से यानी स्पेनिश ट्रेजेडी के बाद ही इंग्लिश में एक नई जॉन्ड्रा एस्टेब्लिश हुई जिसे हम रिवेंज प्ले और रिवेंज ट्रेजेडी के नाम से जाने जाते हैं तो शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है वो भी एक रिवेंज ट्रेजडी है नेक्स्ट है एटी फाइव हु यूज़ द टर्म यूनिवर्स की विट फर्स्ट सबसे पहले इस टर्म को यूज़ करने वाले कौन थे यूनिवर्सिटी विट यानी कि इसको यूज़ किया था जॉर्ज सेंट बरी ने जो कि एक जर्नलिस्ट थे और एक ऑथर थे न, इन नाइनटीन सेंचुरी ठीक है स्कॉलर्स ये कब थे ये सिक्सटीन सेंचुरी में थे जब जब ये ज़िंदा थे ये लोग तब इनको ये टर्म नहीं दिया गया था ये नाइन्टीन सेंचुरी में एक मॉडर्न जर्नलिस्ट के द्वारा ये नाम उन्हें दिया गया था जॉर्ज सेंट बरी के द्वारा नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। सिक्स इट इज़ एन ओल्ड सेइंग इफ देयर इज़ नो मार लो देयर इज नो शेक्सपियर यानी कि एक पुरानी कहावत है कि अगर मार लो ना होते तो शेक्सपियर भी ना होते क्योंकि जो एक बैकग्राउंड था एक जो ग्राउंड बनाकर तैयार किया था शेक्सपियर को वो यूनिवर्सिटी विट ने ही किया था तो उसमें से जो प्रमुख थे वो थे मार लो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटी सेवन और विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट अपनी फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट का प्लॉट जो है विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से लिया था तो रोजिल से उन्होंने इसका प्लॉट लिया था जिसे 1590 यानी 1590 में थॉमस लॉज के द्वारा लिखा गया था यहीं से इन्होंने अपने प्ले एज यू लाइक इट का प्लॉट लिया था जिसे पब्लिश कराया गया था फर्स्ट फोलियो में इन सिक्सटीन और लिखी गई थी ये फिफ्टीन में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट्टी एट ऑफ विच प्ले शाक्सपियर टुक प्लॉट होगा यहाँ पे पॉट नहीं है ये ऑफिज फेमस प्ले द विंटर टेल यानी विंटर टेल का प्लॉट कहाँ से लिया था विलियम शेक्सपियर ने सो पैंडो से लिया था जो कि रॉबर्ट ग्रीन का वर्क है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटी नाइन विच प्ले इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू राइट द प्ले रिचर्ड सेकंडर्ड सेकंड ही है यहाँ पर रिचर्ड सेकेंड द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग रिचर्ड द सेकेंड कॉमनली कॉल्ड रिचर्ड सेकेंड इज ए हिस्ट्री प्ले बाई विलियम शेक्सपियर बिलीव टू हैव बीन रिटिन अराउंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ़ ऑफ़ किंग रिचर्ड रूल टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा एज है इंग्लिश लिटरेचर का जिसे नेस्ट ऑफ सिंगिंग वर्ड के नाम से जाना जाता है सो दिस इज एलिजाबेथन एज ने नाइनटी वन हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड इंग्लैंड में इंट्रो मतलब सोनेट को इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन थे सो दिस इज सर थॉमस याच हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू हु सिंप्लीफाइड द पैटर्न ऑफ इटेलियन सोनेट एंड इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड ठीक है जो इटेलियन सोनेट थी उसका जो पैटर्न था थोड़ा हार्ड था उसके पैटर्न को सिंप्लीफाइड करने वाले थे हैंनरी हॉवर्ड ठीक है जो इटालियन सोनेट थी यानी जिसे पिटार्कन सोनेट के नाम से जाना जाना जाता है उसे इंग्लिश सोनेट बनाने वाले हैंनरी हॉवर्ड थे उन्होंने इसको चेंज उसके पैटर्न को चेंज किया था बेसिकली नेक्स्ट स्टेप नाइन्टी थ्री वाज़ द फर्स्ट रिकोग्नाइज सोनेट ईयर ऑफ द एलिजाबेथन एज यानी कि सोनेट ईयर एलिजाबेथन एज के फर्स्ट रिकोगनाइज सोनेट ईयर कौन माने जाते हैं सोफ so, फिलिप सिडनी वॉज दस्ट रिकोगेस्ट नाइन्टी फोर वॉट इज द टाइटल ऑफ फिलिप सिडनी सोनेट फिलिप सिडनी का जो सोनेट था उन सोनेट कलेक्शन था उसका नाम क्या था तो इनके कलेक्शन का नाम था एस्टोफल एंड स्टेला सोनेट कलेक्शन का नाम था एस्टोफल एंड स्टेला

एक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव वाट इज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट ऑफ स्पेंसर स्पेंसर के सोनेट कलेक्शन का या फिर सीक्वेंस का नाम क्या था तो इनके सीक्वेंस का नाम था एम आर ए टी जिसमें कि एट्टी एट सोनेट का कलेक्शन था ठीक है जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं अपने वर्क द फेरी क्वीन के लिए जो कि एक उनकी एक एपिक पोएम है और सब फैंटेस्टिकल एलोगरी भी है ये जो सीक्वेंस है स्पेंसर uh, का सिक्सटीन सेंचुरी द सीक्वेंस डिस्क्राइब हिज कोर्टशिप एंड इवेंचुअल मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयली ठीक है वो कोर्टशिप और उनकी मैरिज जो हुई थी एलिजाबेथ बॉयली के साथ उसको ये डिस्क्राइब करता है दी वॉल्यूम इंक्लूडेड द सीक्वेंस ऑफ एट्टी नाइन सोनेट बेसिकली इसमें एट्टी एट और कहीं कहीं पर एट्टी नाइन सोनेट दे रखी है तो ये कलेक्शन था एट्टी एट सोनेट का जिसमें मतलब कोर्टशिप को दिखाया गया है और उनकी जो उनकी शादी जो हुई थी एलिजाबेथ बॉयली से उसको ये इसमें दिखाया गया है नाइन्टी सिक्स है वॉट वॉज राइमिंग पैटर्न ऑफ द स्पेंसेरियन सोनेट इनकी जो सोनेट थी यानी स्पेंसर की जो सोनेट थी उनका राइमिंग पैटर्न था ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ई ई नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइनटी सेवन रोड द कलेक्शन ऑफ द दोनेट टाइटल आइडियाज मिरर ठीक है एक और कलेक्शन लिखा गया था एलिजाबेथ बेथन एज में जो लिखा था माइकल ड्राइटर ने जिसका नाम है आइडियाज मिररर ठीक है माइकल ड्राइटन 1563 सिक्सटी हैज माइकल ड्राइटन 1563 सिक्सटी टू सिक्सटीन थर्टी वन हैज कंपोज आइडियाज मिरर, फिफ्टीन नाइन्टी फोर लेटर रिवर्क एज आइडिया नाइनटीन अ कलेक्शन ऑफ सेवनटी थ्री सोनेट इसमें है ना सेवनटी थ्री सोनेट हैं जिसे पहले फिफ्टीन नाइन्टी फोर में आया और बाद में उन्होंने सोलह सौ उन्नीस में इसे इसे दोबारा से रीवर्क किया था इसमें फिर ये जो सोनेट हैं वो सेवनटी थ्री हो गई थी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट हाओ मैनी सोनेट शेक्सपियर कम्पोज कितनी सोनेट शेक्सपियर ने कम्पोज की थी सो ऑफकोर्स वन फिफ्टी फोर एवरीबडी नोज़ वन फोर सोनेट्स कम्पोज बाई विलियम शेक्सपियर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन टू होम शेक्सपियर डेडिकेटेड मोस्ट ऑफ इनेट तो उन्होंने अपनी जो ज़्यादातर सोनेट है वो किसको डेडिकेट की थी मिस्टर डब्ल्यू एच को वन से लेकर वन ट्वेंटी सिक्स तक डब्लू एच एंड रिमेनिंग सोनेट उन्होंने uh, डेडिकेट की थी डार्क लेडी को टू होम शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज रिमेनिंग सोनेट वन ट्वेंटी सेवन टू वन फिफ्टी टू आफ्टर मिस्टर डब्ल्यू एच ठीक है डार्क लेडी को बाकी की सोनेट्स एंड टू सोनेट्स थी उनकी यानी फिफ्टी थ्री और फिफ्टी फोर वो उन्होंने क्यूपिड को डेडिकेट की थी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन वॉट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी वन जीरो टू इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज उनके जो एसेज हैं वो थ्री एडिशन में पब्लिश हुए थे फर्स्ट एडिशन आया था 1597 में जिसमें टेन एसेज थे सेकंड एडिशन आया 1612 में एंड थर्ड एडिशन जो उनका फाइनल एडिशन था वो 1625 में आया था जिसमें उनके 58 एट एसेज थे नेक्स्ट है वन जीरो थ्री विच स्टाइल ऑफ राइटिंग बैकन यूज इन हिज एसे बैकन का स्टाइल क्या था कौन सी स्टाइल में बैकन अपने एसेज लिखा करते थे सो इन एफोरिस्टिक स्टाइल उनका जो स्टाइल था वो एफोरिस्टिक था नेक्स्ट है वन जीरो फोर हु रोट अबाउट फ्रांसिस बैकन द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैन काइंड फ्रांसिस बैकन को द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैन काइंड किसने कहा था सो एलेक्जेंडर पोप ने अपने ऐसे ऑन मैन में फ्रांसिस बैकन के बारे में ऐसा लिखा है कि वो वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मैन मीनेस्ट ऑफ मैन काइंड नेक्स्ट पॉइंट है, Next point है

किंग जेम्स बाइबल के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है हु फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल इंग्लिश बाइबल को फर्स्ट किसने प्रिंट किया था सो जॉन नॉर्टर एंड रॉबर्ट बार्कर वर् द पब्लिशर इन लोगों ने इंग्लिश बाइबल को पब्लिश कराया था नेक्स्ट है हाउ मैनी मेम्बर वर देयर इन दी कमेटी दैट ट्रांसलेटेड क्रिश्चियन बाइबल इन इंग्लिश यानी उस कमेटी में कितने मेंबर्स थे जो जिसने क्रिश्चियन बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था टोटल मेम्बर्स थे वहाँ पर फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन स्कॉलर्स आर देयर नेक्स्ट है ओरिजिनल बाइबल इज़ कंपोज इन लैंग्वेज ओरिजिनल बाइबल किस लैंग्वेज में था ये हिब्रू लैंग्वेज में था नेक्स्ट है हाउ मेनी बुक्स आर इन ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ दी बाइबल बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में यानी बाइबल की थ्री पार्ट हैं उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है सेकेंड पार्ट को न्यू टेस्टामेंट और एक है उसका थर्ड पार्ट है उसका एपोक्रिफा तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है बाइबल का उसमें थर्टी नाइन बुक्स हैं टोटल नेक्स्ट है हाउ मेनी बुक्स आर इन न्यू टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में कितनी बुक्स हैं बाइबल की तो न्यू टेस्टामेंट कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी सेवन बुक्स इसमें ट्वेंटी सेवन बुक्स हैं टोटल नेक्स्ट है इन विच सेंचुरी द बाइबल वॉज फर्स्ट टाइम ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश किस सेंचुरी में बाइबल को पहली बार ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में सो इन फोर्टीन सेंचुरी इन फोटीन सेंचुरी द बाइबल वॉज फर्स्ट टाइम ट्रांसलेटेड इन इंग्लिस फोर्टीन सेंचुरी में इसको किया गया था जॉन वाइकलिफ के द्वारा नेक्स्ट है विच इज नोन एज थर्ड पार्ट ऑफ द बाइबल बाइबल के थर्ड पार्ट के रूप में किसको जाना जाता है सो एपोक्रफा इज अ थर्ड पार्ट ऑफ बाइबल नेक्स्ट है विच इज नोन एज द मोस्ट इंटरनेशनल ऑफ ऑल इंग्लिश बाइबल बिफोर ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल यानी ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल के आने से पहले किसे इंग्लिश बाइबल माना जाता था बाइबल ऑथराइज्ड वर्जन से पहले ये ही इंग्लिश बाइबल का सोर्स था नेक्स्ट है वो कॉइन टर्म मेटाफिजिकल मेटाफिजिकल टर्म किसने कॉइन किया था इस टर्म को कॉइन करने वाले थे सैमुअल जॉनसन नेक्स्ट फॉर होम सैम्यूएल जॉन्सन यूज़ द टर्म मेटाफिज़िकल किसके लिए ये टर्म उन्होंने यूज़ किया था मेटाफिज़िकल अ ग्रुप ऑफ पोइट ऑफ सेवनटीन सेंचुरी सेवनटीन सेंचुरी का एक ग्रुप ऑफ पोइट मतलब एक ग्रुप था पोइट्स का उसको ये नेम दिया था जिसके लीडर थे जॉनडन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटीन हु वाज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री मेटाफिजिकल पोइट्री के सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पोइट माने जाते हैं जॉन डन नेक्स्ट है वन वन एटीन हु बोरो द टर्म मेटाफिजिकल फ्रॉम डॉक्टर जॉनसन जॉन ड्राइडन वन नाइनटीन अफेक्ट अफेक्टेशन एंड हाइपर वर्ल्स आर चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ द पोइट्री यानी मेटाफिजिकल मेटाफिजिकल जो पोइट्री थी उसकी जो मुख्य विशेषता थी वो था अफेक्टेशन एंड हाइपर बोल्स जैसे द इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री आर डिलइट इन नोवल थाट एंड एक्सप्रेशन फॉन्डनेस फॉर कंसीट फार फेस्ड इमेजेस ऑफ स्क्योरिटी शो ऑफ लर्निंग यूज ऑफ वेट रिलीजियस एंड एमोरस पोइट्री हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन ये सारी की सारी मेटाफिजिकल पोइट्री की जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं नेक्स्ट है वन ट्वेंटी हुड ही अफेक्ट द मेटाफिजिक किसने कहा था ही अफेक्ट द मेटाफिजिक्स तो जॉन ड्राइडन थे जिन्होंने जॉन डन के बारे में सबसे पहले कहा था कि ही अफेक्ट द मेटा और यहीं से ये टर्म जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने बोरो किया था नेक्स्ट है वन ट्वेंटी वन वैन रेस्टोरेशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इंग्लैंड में रेस्टोरेशन कब स्टार्ट हुआ इन सिक्सटीन सिक्सटी सिक्सटीन सिक्सटी में रेस्टोरेशन स्टार्ट हुआ इन इंग्लैंड ठीक है रेस्टोरेशन सिक्सटीन सिक्सटी में स्टार्ट हुआ जब चार्ल सेकेंड राजा बने इंग्लैंड के नेक्स्ट हैल न्यू क्लासिकल क्या है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एज यानी कि न्यू क्लासिकल पीरियड में जो क्लासिकल एज था उसे रिवाइव किया गया क्योंकि जो यहाँ इस एज के जो पोइट थे न्यू क्लासिकल एज के जो पोइट थे फेमस एलेक्सेंडर पॉप सेमुअल जॉनसन और जॉन ड्राइडन वगैरह इन्होंने जो क्लासिकल एज के जो राइटर थे जो रोमन ग्रीक उनको फॉलो किया था नेक्स्ट है वन ट्वेंटी थ्री विच पीरियड

क्लासिकली इसको फॉलो करते थे है ना उन्होंने एलिजाबेथन जो ट्रेंड था उसे रिजेक्ट कर दिया था नेक्स्ट है वन ट्वेंटी फाइव हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फादर किसे माना जाता है सो जॉन ड्राइडन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म नेक्स्ट uh, है वन ट्वेंटी सिक्स हु बिकेम दी फर्स्ट पोइट लॉरियट इन इंग्लैंड इंग्लैंड के जो फर्स्ट पोइट लॉरियट हैं वो कौन थे कौन बने थे जॉन ड्राइडन ठीक है द दरिजिन ऑफ द लॉरियट शिप डेट बैक टू सिक्सटीन सिक्सटीन वन है पेंशन वॉज प्रोवाइडेड टू बैन जॉनसन ठीक है इसका जो स्टार्टअप है मतलब स्टार्टिंग हुई थी इस लॉरियट शिप की जब बैन uh, जॉनसन को एक पेंशन दी गई थी किंग जेम्स के द्वारा लेकिन ऑफिशियली जो पोइट ऑफ लॉरियट हैं वो जॉन ड्राइडन थे बने थे ठीक है फर्स्ट ऑफिशियल होल्डर ऑफ द ड्राइडन अपॉइंटेड इन 1668 बाय चार्ल्स सेकंड यानी चार्ल्स सेकंड के द्वारा 1668 सो अड़सठ में जॉन ड्राइडन को पोइट ऑफ लॉरियट बनाया गया था इंग्लैंड का नेक्स्ट है 127 हु रोट द पिलग्रिम प्रोग्रेस पिलग्रिम प्रोग्रेस किसने लिखा था पिलग्रिम प्रोग्रेस इज रिटन बाय जॉन बनहन ये बहुत ही फेमस वर्क है इनका द पिलग्रिम प्रोग्रेस फॉर दिस वर्ल्ड टू दैट इज दैटीन सेवन जिसे सोलह सौ सो अठहत्तर में क्रिश्चियन एलेगोरी माना जाता है इसे सोलह सौ सो अठहत्तर में लिखा गया था और ये क्रिश्चियन एलेगोरी रिटेन रिटन बाई जॉन बनहन ठीक है वर्ल्ड बेस्ट एलेगोरी में इसको रखा गया है नेक्स्ट है थॉम्सन टॉमस ग्रे विलियम कॉलिन्स विलियम कोपर एंड विलियम ब्लैक आर रिलेटेड टू विच एज ऑफ इंग्लिस लिटरेचर ठीक है ये जो राइटर्स हैं ये इंग्लिस लिटरेचर के कौन से एज से एसोसिएटेड है आपको बताना है सो ट्रांजिशन एज ये सारे जो ऑथर हैं ये ट्रांजिशन एज से एसोसिएटेड हैं नेक्स्ट पॉइंट है वन टू नाइन जेम्स थॉम्पसन टॉमस ग्रे विलियम कॉलिस्ट विलियम कोपर एंड विलियम ब्लैक आर नोन एज प्री करसर ऑफ रोमांटिक एज और इन्हें मतलब ट्रांजिशन एज से संबंध रखते हैं और इन्हें रोमांटिक एज का प्री करसर पोइट भी कहा जाता है क्योंकि ट्रांजिशन एज के बाद ही रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी तो ये एक तरह से इस एज के प्रसर भी हैं नेक्स्ट है वन थर्टी विच फेमस एलर्जी इज कम्पोज बाई ट ग्रे टॉमस ग्रे के द्वारा कौन सी फेमस एलेजी को कंपोज किया गया था लिखा गया था सो so, उनकी मोस्ट फेमस एलेजी है एलेजी रिटिन इन ए कंट्री चर्च यार्ट ठीक है मतलब जो इंग्लिश लिटरेचर है उसकी सबसे बेस्ट एलेजी भी है ये नेक्स्ट है वन थर्टी वन हु रोड दी पोम दी प्रोग्रेस ऑफ पोइजी ये भी एक वर्क है टॉमस ग्रे का द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी नेक्स्ट है वन थर्टी टू इन विच पोम द लाइन द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव अकर एलेजी रिटिन इन कंट्री चर्च यार्ड ये एलेजी है टॉमस ग्रे की उससे ये लाइन ली गई है नेक्स्ट है वन थर्टी थ्री फोर विच टाइप ऑफ पोम्स विलियम कॉलिंस इज इज़ फेमस मतलब किस तरह की पोइम्स के लिए विलियम कॉलिंस को जाना जाता है या वो फेमस हैं तो वो और लिखा करते थे वो एक और पोइट हैं ठीक है ठीके? बहुत अच्छी अच्छी और उन्होंने लिखी थी एक एड एक और उन्होंने ऑन दी डेथ ऑफ थॉमसन जो थॉमसन है इस ट्रांजिशनल एज के पोइट उनकी डेथ पर भी एक और लिखी थी नेक्स्ट पॉइंट है वन थर्टी फोर ड्यूरिंग ट्रांजिशनल एज इस एज के दौरान मतलब ट्रांजिशनल एज के दौरान हु इज फेमस फॉर इमोशनल पोइट्री इमोशनल पोइट्री के लिए किसे जाना जाता है यानी ट्रांजिशनल एज में इमोशनल पोइट्री के लिए फेमस थे विलियम कूपर ठीक है जैसे यार्डली ओक उनकी बहुत ही फेमस पोएम है नेक्स्ट है वन थर्टी फाइव हु इज कॉल्ड ए पोइट पेंटर यानी कि पोइट होने के साथ साथ वो एक पेंचर भी हैं कौन है वो बिलियम ब्लैक विलियम ब्लैक इज कॉल्ड ए पोइट एंड पेंटर ठीक है जिनका जन्म हुआ है सेवनटीन फिफ्टी सेवन में डेथ हुई एटीन ट्वेंटी सेवन में जिन्हें इंग्लिश का पोइट पेंटर एंड प्रिंट पेकर माना जाता है नेक्स्ट है वन थर्टी सिक्स हु रोट द मैरिज ऑफ हैवन एंड हेल ठीक है ये किसका वर्क है मैरिज ऑफ हैवन एंड हेल ये विलियम ब्लैक का वर्क है मतलब और हेल की शादी। ये किसने लिखा था यानी विलियम ब्लैक के दो पोइटिक कलेक्शन है जिसमें कि उन, उनका जो ये जो फर्स्ट है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस इसमें नाइनटीन पोइम थी और सॉन्ग ऑफ एक्सपेरियंस एक्सपीरियंस जो इनका कलेक्शन है उसमें ट्वेंटी सिक्स पोएम्स थी नेक्स्ट है वन थर्टी एट हु कंपेनियन पोम्स द लैम एंड द टाइगर ये जो ये दोनों कंपेनियन पोएम है द लैम एंड टाइगर इस किसने लिखी है सो विलियम ब्लैक विलियम ब्लैक के द्वारा ये लिखी गई हैं नेक्स्ट है वन थर्टी नाइन विच यर मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक एज़ इन इंग्लिश लिटरेचर ठीक है इंग्लिश लिटरेचर में किस ईयर को किस ईयर से रोमांटिक रोमेंटिकज की शुरुआत मानी जाती है सो so, सेवनटीन 1798 एट से इस ऐज की शुरुआत होती है नेक्स्ट है वन फोर्टी इन विच ईयर लिरिकल बेलाट पब्लिश किस ईयर में लिरिकल बेलाट पब्लिश हुई थी इन सेवनटीन नाइनटी एट तो सेवनटीन नाइनटी एट में लिरिकल बेलाट पब्लिश हुई एंड विद द पब्लिकेशन ऑफ दिस पार्टिकुलर वर्क रोमांटिक एज की शुरुआत हुई ठीक है क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी वन हुआ कम्पोज लिरिकल बेलाट्स लिरिकल बेलाट को कम्पोज किसने किया था सो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉल इस दोनों ने मिलकर इसे कंपोज कराया था जिसमें टोटल ट्वेंटी थ्री पोइम्स थी जिसमें नाइनटीन प्लस फोर ठीक है फोर कॉलरस की थी नाइनटीन वर्ड्सवर्थ की थी नेक्स्ट है वन फोर्टी टू वॉट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोमांटिक एज अब इसका आपको बताना है कि मतलब टाइम पीरियड क्या था रोमांटिक एज का तो ठीक है स्टार्टिंग हुई इसकी सेवनटीन नाइन्टी एट से और ये कब तक चला एटीन थर्टी सेवन तक जब तक क्वीन विक्टोरिया रानी नहीं बनी यानी 1837 में जो है रानी इंग्लैंड की रानी बन गई थी क्वीन विक्टोरिया और उसके बाद जो है इंग्लैंड में विक्टोरियन ऐज की शुरुआत हो गई थी तो 1798 से 1837 तक ये पीरियड रहता है नेक्स्ट है वन फोर्टी थ्री वॉट इज़ द ग्रेटेस्ट पोलिटिकल इवेंट ऑफ रोमांटिक एज जो एज है उसकी पोल ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट क्या क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट ऑफ रोमांटिक एज नेक्स्ट है वन फोर्टी फोर वैन फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है जो कि एज़ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल घटना थी, थी? 14, तो ये कब स्टार्ट हुई थी जुलाई फोर्टीन सेवनटीन एटी नाइन में सत्रह सौ नवासी में मतलब चौदह जुलाई सत्रह सौ नवासी को यह स्टार्ट हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ सेवनटीन एटी नाइन यानी कि सत्रह सौ नवासी की, की क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है इट वॉज ए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एक रेवोल्यूशनरीनरी मूवमेंट था इट बिगेन विद द स्टोर्मिंग ऑफ द बेस्टिल प्रजेंट ऑन फोर्टीन जुलाई इन पेरिस बेस्टिल प्रजेंट को इसमें तोड़ दिया गया था पैरिस में चौदह जुलाई को ठीक है वन फोर्टी फाइव विच इंग्लिस एसेज वर्सिप नेपोलियन एज ए हीरो मतलब कौन से ऐसे ऐसे इस हैं इंग्लिश के जो नेपोलियन को अपना हीरो मानते हैं तो विलियम हैजलेट विलियम हैजलेट वोर्शिपड नेपोलियन एज हीरो ठीक है विलियम हैजलेट 1778 to 1830 वाज एन इंग्लिश एस इज ड्रामा एंड लिटरेरी क्रिटिक पेंटर सोशल कमेंटेटर एंड फिलोसोफर हिज पॉपुलर वर्क्स आर यहां पर उनके पॉपुलर वर्क्स दे रखे हैं नेक्स्ट है वन फोर्टी सिक्स कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर एटीन ट्वेंटी वन इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट रिटन बाय एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो थॉमस दिक्वेंसी के द्वारा लिखा गया थॉमस दिक्वांसी एटीन ट्वेंटी वन नेक्स्ट है वन फोर्टी सेवन पब्लिकेशन ऑफ विच बुक मार्क द बिगिनिंग ऑफ द लिटरेरी मूवमेंट कॉल रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश ठीक है कौन सी बुक है जिससे रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई सो लिरिकल बेलाट लिरिकल बेलाट इज द कलेक्शन ऑफ पोम बाई विलियम वर्ट्सवर्थ एंड सैम्यूल टेलर कॉलर इज फर्स्ट पब्लिस्ड इन सेवनटीन नाइनटी एट एंड जनरली कंसिडर टू हैव मार्क द बिगनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर Next point 148 love and treatment of nature subjectivity and spontaneity are found in the english poetry of romantic age next 149 love of the middle ages importance of imagination and note of melancholy prevail in the english poetry okay इमेजिनेशन एंड नोट ऑफ मेलंकली जो इंग्लिश पोइट्री की मुख्य विशेषता हैं किस एज में रही है ये रोमांटिक एज की ये मुख्य विशेषता है हु इज़ कॉल्ड वर्सिपर ऑफ नेचर वर्सिपर ऑफ नेचर कहा जाता है विलियम वर्सवर्थ को वलियम विलियम वर्सवर्थ इज कॉल्ड दर्सिपर ऑफ नेचर नेक्स्ट है हु वॉर्न हिज कंटेम्परेरी सोसाइटी अंगेंस्ट मैटेरियलिज्म यानी कि जो मैटेरियलिज्म है भौतिकवाद है उसके अंगेंस्ट अपनी सोसाइटी को वॉर्न करने वाले थे विलियम वर्ट्सवर्थ ठीक है क्योंकि एज ए वे नेचर लवर वो मैटेरियलिज्म को कंडेम करेंगे ही सो विलियम वर्सवर्थ और इसी के ऊपर उन्होंने एक सोनेट लिखी थी द वर्ल्ड इज छो मच विद अस इज ए सोनेट बाई द इंग्लिश रोमांटिक पोइट विलियम वर्ट्सवर्थ इन इट वर्सवर्थ क्रिटिसाइज द वर्ल्ड ऑफ The first industrial revolution for being ab, uh, absorbed in materialism and distancing itself from nature. The question number 151 Who won his contemporary society against materialism? So, William Wordsworth won his society against uh, materialism. The world is too much with us is a sonnet by the English romantic. पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ इसमें उन्होंने जो इंग्लिश सोसाइटी है उसे कंजाइम किया है नेक्स्ट है वन फिफ्टी टू वॉट इज द फुल नेम ऑफ एसटी टी कॉलरिज एस कॉलरिज का फुल नेम क्या है सेम्यूअल टेलर कॉलरिज इज द फुल नेम ऑफ एसटी टी कॉलरिज नेक्स्ट विच रोमांटिक पोइट गिव्स द थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन किस रोमांचिक पोइट ने इमेजिनेशन uh, की थ्योरी दी है सो ये है कॉलरिज कॉलरिज गिव दोरी ऑफ इमेजिनेशन विच लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक एसटी कॉलरिज इज फेमस फोर सो इंग्लिश क्रिटिसिज पर एसटी कॉलरिज की फेमस बुक है बायोग्राफ बायोग्राफिया लिटरेरिया जिसे उन्होंने लिखा था एट्टीन सेवनटीन में नेक्स्ट पॉइंट है 155 फिफ्टी फाइव वॉट इज द फुल नेम ऑफ पी बी शैली पी वी शैली का फुल नेम क्या है पी वी शैली जो कि एक सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट है उनका फुल नेम है परसी वैसी शैली नेक्स्ट है हु रोट द पोइम ओ जी ओडी मैंडिया किसने नहीं लिखी थी तो ये रोमांटिक पोइट पी वी सैली के द्वारा लिखी गई थी ये पोइम ओजी मैंडिया जो कि एक सोनेट है और इसे आम्बिक पेंचेमीटर में उनके द्वारा लिखा गया था नेक्स्ट पॉइंट है हु रोट द दोम

जनरेशन रोमांचिक पोइट हैं जॉन कीट्स हु इज नोन फॉर द यूज़ ऑफ सेंसनेस इन दी इन हिज पोइट्री इनका जन्म हुआ था सेवनटीन नाइनटी फाइव में एंड इनकी जो डैथ है वो हो गई थी एटीन ट्वेंटी वन में ठीक है बहुत ही कम एज में इनकी डैथ हो गई थी मतलब इनका जो कैरियर स्पेन है पूरा वो मतलब टू से फोर ईयरस है जिसमें कि सबसे जो ब्राइट ईयर थी इनके कैरियर की वो थी एटीन नाइनटीन जिसमें इनके बेस्ट ऑट्स आए बेस्ट ऑर्ट्स माने जाते हैं ऑर्ड ऑन ए ग्रेसियन अन एटीन नाइनटीन ऑर्ड ऑन इंडोलैंस एटीन नाइनटीन ये सभी एट्टीन नाइनटीन में आई थी इनकी जो टॉप सिक्स ऑड है ऑर्ड एंड ऑन मेलकली ऑड टू ए नाइटिंगल ऑड टू अपोलो एटीन फिफ्टीन का है ऑड टू फैनी ऑड टू मे ऑट टू साइकी और बार्ड ऑफ एसन एंड ऑफ मिर्थ रॉबिन हुए फ्रेंड ठीक है ये नेक्स्ट है वन फिफ्टी नाइन हु डाइड यंगेस्ट एमंग द रोमांटिक पोइट बहुत कम एज आ, एज में डेथ हो गई थी जॉन कीट्स की ठीक है इनका जो टाइम स्पेंड था ये केवल मतलब फोर इयर्स का रहा फोर इयर्स का इनका कैरियर रहा क्योंकि इनकी जो डेथ है वो बहुत जल्दी हो गई थी है ना पच्चीस की एज में ही ये मर गई थी सत्रह सौ पचानवे में जन्म हुआ और अठारह सौ इक्कीस में इनकी डेथ हो गई ट्यूबर क्लासेस की वजह से इनकी डेथ हो गई थी लेकिन फिर भी एक मेजर पॉइंट है रोमांटिक में जिन्हें पी और बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं इंग्लिस के उसमें ये मैंशन है ठीक है नेक्स्ट है हु रोड दी पोइम हाइपेरियन हाइपेरियन किसने लिखा था जॉन कीट्स का ही वर्क है ये हाइपेरियन हाइपेरियन अ फ्रेगमेंट इज एन एवं एपिक पोएम बाय नाइनटीन सेंचुरी इंग्लिश रोमांटिक पोइट जॉन कीट ठीक है ये एक उनका अनफिनिश्ड वर्क है हाइपेरियन और इन्होंने जो है जॉन मिल्टन है ने उनका पैराडाइज लॉस्ट को इमिटेट किया था इसमें लेकिन इसे ये पूरा नहीं कर पाए थे नेक्स्ट है वन सिक्सटी वन किसने कहा था हियर मेलोडीज़ आर स्वीट जो सुने हुए गीत हैं वो बहुत मधुर होते हैं मतलब गीत क्या होते हैं बहुत मधुर होते हैं जो हम कानों से सुनते हैं बट दोज अन आर स्वीटर लेकिन जो सुने नहीं गए हैं वो और भी ज़्यादा मधुर हैं ये बहुत फेमस कोट है जॉन कीट्स का क्योंकि उन्हें हम सेंसलसनेस के लिए जान, जानते हैं ना तो ये इनकी स्पेशलिटी है ये बहुत फेमस लाइन है उनकी जो ऑर्ड ऑन ए ग्रेषियन आर्ट वहां से लाइन ली गई है Next है नेक्स्ट ऑस्टिन इज़ अ फेमस ये जो जैन ऑस्टिन है किसके लिए फेमस है तो ये हैं रोमांटिक है, की बहुत फेमस नॉवलिस्ट हैं ये दो तरह की नॉवल लिखती थी एक तो नोवल ऑफ मैनर्स एंड नोवल ऑफ मतलब डोमेस्टिक नॉवल एंड नोवल ऑफ मैनर्स इनके द्वारा लिखे गए ठीक है इनके जो मोस्ट फेमस नॉवल हैं वो हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी एटीन इलेवन प्राइड एंड इंपॉर्टेंट है ये फिफ्टीन में इम्पोर्टेंट सिक्स नोवल हैं नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड प्रोज शेक्सपियर प्रोज शेक्सपियर किसे कहा जाता है सो जैनिस्टन इज कॉल्ड प्रोज शेक्सपियर नेक्स्ट है वन सिक्सटी फोर अबाउट होम सैड हर टू inches ऑफ ivory genius जैनी ऑस्टिन इनके लिए कहा गया नेक्स्ट है हु इज़ कॉल्ड किचन नोवलिस्ट किचन नोवलिस्ट किसे कहा जाता है तो मैंने अभी बताया कि जैनी ऑस्टिन है ना दो तरह के नॉवल्स के लिए वो जानी जाती है एक तो किचन मतलब डोमेस्टिक नावल उन्हीं को हम किचन नावल भी कहते हैं ठीक है किचन नावल्स और एक नावल ऑफ मैनर्स नेक्स्ट पॉइंट है वन सिक्सटी सिक्स हु रोड दी नोवल फ्रेंकस्टिन फ्रेंकस्टिन नोवल किसके द्वारा लिखा गया था सो मैरी सैली मैरी शैली रोड द नोवल फ्रेंकस्टिन फ्रेंकस्टिन लिखा था मैरी शैली ने वाइफ है पीबी शैली की Next है ना नेक्स्ट है हु रोड दलोजर ड्रामा मैन फ्रेड मैन फ्रेड क्लोजर ड्रामा हु रोड सो लॉर्ड वायरन रोट मैन फ्रेड नेक्स्ट है वो रोड दी लॉन्ग पोम डॉन जॉन स्पेनिंग सेवनटीन कैंटोज ठीक है किसने लिखी थी ये डॉन जॉन लॉर्ड बायरन की पोईम है जो कि सेवनटीन कैंटोज में है ठीक है जिसे उन्होंने ऑटेवा रैमा में लिखा था ऑटेवा रैमा में इसे लिखा गया था और सेवनटीन इसमें कैंटोज हैं और ये एक एपिक पोईम मानी जाती है उनकी नेक्स्ट है वो रोड दिव पोम चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रमेज सो ये भी लॉर्ड बायरन का वर्क है लॉर्ड बायरन रोड नैरेटिव पोम चाइल्ड हेरोल्ड पिल नेक्स्ट पॉइंट है वन सेवेंटी हु रोड द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन किसके वर्क है ये मैरी yes. वुलर्क है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन और सेम विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन ये इनका सेवनटीन नाइनटी का वर्क है और ये में आया था मैरी वूल एंड क्राफ्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन सेवनटी वन विक्टोरियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर रन फ्रॉम विक्टोरियन एज कब से कब तक चलता है इंग्लिश लिटरेचर में तो 1837 थर्टी सेवन टू नाइनटीन यानी कि 1837 जब क्वीन विक्टोरिया केम ऑन थ्रोन जब ये रानी बनी तब से इसकी स्टार्टिंग होती है इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और उनकी जब डेथ हुई 1901 में तब तक ये रहता है ठीक है तो 1837 थर्टी सेवन टू नाइनटीन नेक्स्ट है दि फर्स्ट रिफॉर्म बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द्रिटिश पार्लियामेंट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट में फर्स्ट रिफॉर्म बिल कब इंट्रोड्यूस कराया गया तो ये एटीन थर्टी टू में इंट्रोड्यूस कराया गया ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है एटीन थर्टी टू ठीक है जब ये रिफॉर्म बिल आया तब ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए गए मतलब लोगों में जैसे कि बहुत जो नीचे दबके के लोग हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार मिला है ना पहले नहीं दिया जाता था बहुत सारी जो है इम्प्रूवमेंट किए गए जैसे वोटिंग राइट टू स्मॉल लैंड लॉर्ड लैंड डोनर्स टेनेंट फार्मर यानी कि जो छोटे किसान होते हैं उनको पहले ऐसा नहीं था वो इन्हें वोट का अधिकार दिया गया ठीक है शॉपकीपर हाउस होल्ड हु पेड ए ईयरली रेंटल ऑफ टेन पाउंड और मोर इनको वोटिंग अधिकार मिल गया इस बिल के दौरान नेक्स्ट है विच इज इन इंग्लिश लिटरेचर वॉज मार्क बाई द प्रोग्रेस ऑफ साइंस ठीक है इंग्लिश लिटरेचर का कौन सा एज है जिसमें साइंस ने बहुत तरक्की करी तो ये विक्टोरियन एज है जब हम देखते हैं कि जो साइंस का डेवलपमेंट बहुत हो गया था यानी कि नए नए आविष्कार हो गए थे जैसे इंजन वगैरह मशीन्स बहुत आविष्कार होने लगे थे है ना और लोगों में जो है आ, मतलब लोगों का जो रुझान है वो भगवान से हटकर साइंस की तरफ लग गया था ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता रिलीजियस फेथ का और जो लगाव है वो है ना साइंस की तरफ बढ़ गया था लोगों का The best known Victorian scientific development is that of the theory of evolution given by Charles Darwin in his book on the origin of species 1859. Next 174, in which age of English literature pre-Raphaelite movement, the Oxford movement, and the aesthetic movement started. कौन से एज में ये तीन मूवमेंट स्टार्ट हुए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट हैं याद रखने हैं आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री रेफेलाइट मूवमेंट ऑक्सफोर्ड मूवमेंट और एस्थेटिक मूवमेंट ये तीनों के तीनों मूवमेंट स्टार्ट हुए थे विक्टोरियन एज में ठीक है तो विक्टोरियन एज से इनका संबंध है ये हमें ध्यान में रखना है विक्टोरियन एज The pre, Pre-Raphaelite Brotherhood was founded in 1848. Oxford Movement was initiated in the early 1830s by members member of the University of Oxford, and notably Oriel College. The movement philosophy was known as the Tractarianism after its series of publication, the Tract for the Times published from 1833 to 1841. And it uh, last Aesthetic Movement, which is a slogan. के द्वारा जिस ये जाना जाता है इन्होंने एक स्लोगन दिया था आर्ट फॉर आर्ट सीख नाइनटीन सेंचुरी में ये वी स्टार्ट हुआ नेक्स्ट है वन सेवनटी फाइव विच विक्टोरियन राइटर इज़ कॉल्ड ऑप्टीमिस्ट ठीक है कौन से विक्टोरियन राइटर हैं जिन्हें ऑप्टीमिस्ट के रूप में जाना जाता है सो रॉबर्ट ब्राउनिंग फर्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट ब्राउनिंग का ये कि ये एक ऑप्टीमिस्ट है ना आशावादी पोइट हैं विक्टोरियन एज के एंड मोस्ट प्रोमिनंट ऑथर हैं इस एज के जिन्हें ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाना जाता है नेक्स्ट है वन सेवेंटी सिक्स विच विक्टोरियन राइटर इज कॉल्ड पैसिमिस्ट ठीक है तो एक तरफ मतलब दोनों में क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं जहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग को ऑप्टिमिस्ट माना जाता है इन विक्टोरियन एज वहीं पर थॉमस हार्डी को एक पैसिमिस्ट के रूप में हम देखते हैं ये भी विक्टोरियन नोवलिस्ट हैं थॉमस हार्डी जो कि एक पैसिमिस्ट आ, राइटर हैं जिनका मान मतलब आ, ये नहीं बिलीव करते इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ये नहीं मानते कि कोई गॉड है ठीक है सो so, थॉमस हार्डी अंगेंस्ट ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग नेक्स्ट है हु वर दी मेंबर ऑफ द प्रिय रेफेलाइट ब्रदरहुड अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर, पोइट एंड आर्ट क्रिटिक फाउंडेड इन 1848. ठीक है ये ग्रुप जो है फाउंड हुआ था 1848 में 1848 में इसमें कौन कौन से मेंबर थे सो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसके मेंबर हैं जिन्होंने ये फाउंड किया था उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं विलियम हॉलमैन हंट द जॉन एवरेट मिल मिलाइस दंते गैब्रियल रोसेट्टी एंड विलियम माइकल रोसेट्टी जेम्स कॉलिसन फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफन एंड थॉमस वुलनर लेकिन इनमें से भी थ्री ज़्यादा मोस्ट हैं जैसे विलियम हॉलमैन और एक ये जॉन और एक दंते गैब्रियल रोसेट्टी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं नेक्स्ट वन है विच एज ऑफ इंग्लिस लिटरेचर टैनिसन बिलोंग टू किस एज से टानिशन बिलोंग करते हैं सो बिलोंग क्या करते हैं ये इस मतलब जो टैनिसन है वो विक्टोरियन एज के मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिप्रजेंटेटिव पॉइंट हैं यही इस एज को रिप्रजेंट करते हैं और इस एज को हम एज ऑफ टैनिसन भी बोल सकते हैं क्योंकि जिस एज का जो मेन uh, ऑथर होता है उसी के नाम पर हम उस एज को भी जानते हैं ठीक है तो टेनिसन इज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज नेक्स्ट है 179 सेवेंटी नाइन जी इज पॉपुलरली नोन एज जी शॉ ठीक है पॉपुलरली नोन एज ड्रामाटिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है ये एक uh, मतलब इरिश प्ले राइट है ठीक है लगभग 60 प्लेज इन्होंने लिखे थे नेक्स्ट है और नोबल प्राइज़ भी मिला था इन्हें 1925 ही वाज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर ठीक है 1925 में इन्हें नोबल प्राइज़ मिला था नेक्स्ट है वन चार्ल्स डिकेंस इज़ दी रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन डैश तो जो चार्ल्स डिकेंस हैं वो विक्टोरियन नोवलिस्ट हैं ठीक है विक्टोरियन नोवलिस्ट के रूप में उन्हें जाना जाता है मोस्ट पॉपुलर नोवलिस्ट हैं नोवेल नोवलिस्ट हैं ये इस एज के चार्ल्स जॉन हफेम डिकन्स इनका पूरा नाम है और जेनविन का ठीक है एटीन ट्वेल्व टू एटीन सेवेंटी वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड सोशल क्रिटिक ही इज़ रिगार्डेड बाई मैनी एज द ग्रेटेस्ट नोवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा नेक्स्ट पॉइंट है एट्टी वन एट्टी वन विच टाइप ऑफ राइटर इज़ गर्ल्स वर्दी रा वर्दी किस प्रकार के राइटर हैं सो एक इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हैं जो कि टी जी टी के, के सिलेबस में मैंसन है है ना जॉन गर्ल्स वर्दी एट्टीन सिक्सटी सेवन टू नाइनटीन थर्टी थ्री इनका जन्म और डेथ और इंग्लिश नॉवल प्ले राइट हैं हिज पॉपुलर वर्क्स इनके पॉपुलर वर्क हैं द फोर साइड सागा नाइनटीन जीरो सिक्स से नाइनटीन ट्वेंटी वन ठीक है फोर साइड सागा ने ही इनको नेम फेम है ना शहर दौलत दिलाई और इसके लिए ही इन्हें नोबल प्राइज़ भी मिला था एंड इट्स सीक्वल इसका जो सीक्वल है फोर साइड सागा का मॉडर्न कॉमेडी एंड एंड ऑफ दी चैप्टर ही वॉन् द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर नाइनटीन थर्टी टू ये ईयर भी पूछा जाता है कि इन्हें नोबल प्राइज कब मिला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पॉइंट है वन एटी टू ज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट प्रतिनिधित्व करने वाले पोइट हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टैनिसन एल टैनिसन, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव हैं है ये विक्टोरियन इराके नेक्स्ट है ठीक है ही बिकेम पोइट लॉरियट इन एटीन फिफ्टीन आफ्टर द डेथ ऑफ वर्सवर्थ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये पॉइंट ऑफ लॉरियट भी रहे थे इंग्लैंड के और किसके बाद ये पॉइंट ऑफ लॉरियट बने थे विलियम वर्सबर्थ की डेथ के बाद इन्हें बनाया गया था और 1892 तक ये पॉइंट ऑफ लॉरियट रहे इंग्लैंड के नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग ठीक है ड्रामेटिक मोनोलॉग का ग्रेटेस्ट राइटर किसे कहा जाता है सो वन ऑफ द बेस्ट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज रॉबर्ट ब्राउनिंग ठीक है ग्रेट हु इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग नेक्स्ट है हु द पोम स्कॉलर स्कॉलर जिप्सी स्कौलर जिप्सी किसकी पोम है सो मैथ्यू आर्नोल्ड ठीक है विक्टोरियन एज एज के हैं ये भी और ये ये एक अ, मतलब र, अ, मतलब राइटर हैं पोइट हैं और ये अ, क्रिटिक भी हैं बहुत अच्छे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे से वर्क लिखे थे इनके मोस्ट फेमस वर्क हैं जैसे कि यहाँ पर दिए हुए मैथ्यू आर्नोल्ड के एम पी जोकल्स ऑन एटना 1852 फिफ्टी एंड रुस्तम ये इनका बहुत अच्छा वर्क है 1853 फिफ्टी थ्री दी स्कॉलर जिप्सी स्कॉर जिप्सी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इनका मेमोरियल वर्सेस टू वर्ड्स वर्थ वर्सवर्थ जिसमें इन्होंने थ्री राइटर्स का मतलब जिक्र किया है एक वर्ड्स वर्थ है एक है ना गेट है एक वायरन है एंड नेक्स्ट है यहाँ पर रग्बी चैपल 1867 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है ये इनका एंड थायरेसिस 1865 ठीक है ये दोनों के दोनों वर्क इनके क्या हैं ये एलजी हैं ये रग्बी चैपल इनके फादर को डेडिकेटेड है और ये इनके फ्रेंड ठीक है तो ये इनके रहे मैथ्यू अनरोल्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स नेक्स्ट है 185 हु वाज विलियम मैकपीस टेकरी विलियम मैकपीस टेकरी कौन है सो so ये भी वन ऑफ विक्टोरियन नोवलिस्ट हैं इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं ये बहुत फेमस हैं इनका जन्म इंडिया में हुआ था और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वैनिटी फेयर जिसके लिए जाने जाते हैं और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है वैनिटी फेयर हु रोड वैनिटी फेयर जिसका सब टाइटल है अ नोवल विदाउट हीरो ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन एटी सिक्स विच विक्टोरियन नोवलिस्ट यूज मॉरल एंड फिलोसॉफिकल टोन इन नोवल्स कौन से विक्टोरियन uh, नावलिस्ट ऐसे हैं जो अपने नावल्स में मॉरल नैतिक एंड फ़िलोसफिकल दार्शनिक टोन को यूज़ करते हैं ठीक है ये जॉर्ज एलियट हैं जॉर्ज एलियट एक मतलब एक स्यूडो नेम है ये इनका रियल नेम नहीं है रियल नेम इनका मैरी वांस है ये एक फीमेल हैं जो कि जॉर्ज एलियट के नाम से अपने नॉवल्स लिखती थी जिनमें इनके मोस्ट फेमस वर्क हैं इनके मोस्ट फेमस वर्क आर दी मिल दी मिल दी फ्लोस एटीन सिक्सटी स्लास मानर रोमोला मिडिल मार्च डैनियल डिनोंडा फ्लैक्स होल्ट सीन्स ऑफ क्लेरिकल लाइफ एडम बीट ये सारे इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं मैरी वांस की नेक्स्ट है वन एटी सेवन हुज नोवल्स आर पॉपुलरली नोन एज वेसेक्स नोवल ठीक है वेसेक्स नोवल के नाम से किसके नोवल जाने जाते हैं सो थॉमस हार्डी थॉमस हार्डी के जो प्लेज मतलब जो भी इनकी पोइट्री और नोबल्स होते हैं वो उनकी सबकी सेटिंग होती है वेसेक्स में क्योंकि ये एक रीजनल पोइट भी हैं ठीक है रीजनल पोइट यानी इसका एक पार्टिकुलर रीजन होता है जहाँ उनके जो नोबल जो भी वो लिखते हैं वर्क उनका जो सेटिंग है वहाँ सेट होती है सो इनकी जो सेटिंग होती है इनके वर्क की वेसेक्स में ठीक है सो थॉमस हार्डी नेक्स्ट है वन एटी एट प्री रेफेलाइट ग्रुप ऑफ पोइट इज ऑल्सो नोन एज प्री रेफेलाइट जो ग्रुप था पोइट्स का उसे और किस नाम से जाना जाता है ठीक है सो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के नाम से भी इस ग्रुप को जाना जाता है नेक्स्ट है वन एटी नाइन हु फॉर्म प्री रेफालाइट ग्रुप किसने फॉर्म किया था ये ठीक है किसने इसका निर्माण किया था इस ग्रुप का दंते गैब्रियल रोसेट्टी ये इसके मतलब जो है की फिगर हैं इस ग्रुप के दंते गैब्रियल रोसेट्टी जिन्होंने इस ग्रुप को फॉर्म किया ओके ये डेट है पता ही है आपको अभी हमने ऊपर पढ़ी थी एट्टीन फोर्टी एट में इसको फॉर्म किया गया ग्रुप को नेक्स्ट है वन नाइन्टी दी प्री रेफलाइट डिफाइन डेम सेल्व एज ए किस तरीके से किस रूप में डिफाइन किया इन्होंने इस मोमेंट को सो रिफॉर्म मोमेंट के रूप में इन्होंने इसको डिफ़ाइन किया था इस मोमेंट को और इन्होंने इसमें, इसमें एक पीरियडिकल भी पब्लिश कराया था जिसका नाम था दर्म जिससे कि इनके जो विचार थे आइडियाज़ थे वो प्रमोट हो सकें जो इनकी आइडियोलॉजी थी उसका विस्तार हो सके लोगों तक पहुँचे जिसके लिए इन्होंने एक पीरियडिकल की स्थापना की जिसका नाम था दर्म नेक्स्ट है 191 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआरवी तो आप समझ गए होंगे इसका फुल फॉर्म क्या है प्री-राफेलाइट ब्रदरहुड ठीक है तो प्री-राफेलाइट ब्रदरहुड ये फुल फॉर्म है पीआरबी की नेक्स्ट है 192 हु बिलीव्ड इन आर्ट फॉर आर्ट से ठीक है ये किस कौन बिलीव करता है इसमें एस्थेटिस एस सी में मूवमेंट था जिसका स्लोगन था आर्ट फॉर आर्ट इन जो स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में ठीक है लेकिन बाद में ये फ्लोरिस हुआ था एटीन में जिसके जो इंपॉर्टेंट फिगर हैं बाल्टर पीटर एंड ऑस्कर वाइल ठीक है Wilde, ये इसके मेंबर हैं नेक्स्ट है द लास्ट डिकेड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी करेक्टराइज बाय ठीक है तो नोटीनेस ये भी एक ग्रुप मतलब नोटीनेस कुछ राइटर का ग्रुप था जो कि जो विक्टोरियन लिटरेचर थी उसके अंगेज था उसका मतलब इस इन्होंने कंट्राडिक्ट करा ठीक है नेक्स्ट है वन नाइन्टी फोर हु एम दी फॉलोइंग कॉल्ड नोटी नोटी कौन कहे जा सकते हैं तो ऑस्कर वाइल्ड नोटीन मतलब जो ग्रुप जो पोइट्स का ग्रुप है जिन्होंने विक्टोरियन लिटरेचर को मतलब क्रिटिसाइज किया था उसमें से जो उसके मेन पॉइंट हैं ऑस्कर वाइल्ड जिन्हें नोटी कहा जाता है दिस मूवमेंट रिपीट द ओल्ड रेवोल्यूशनरी फार्मूला इस मूवमेंट ने यानी कि जो मोमेंट था ऑस्कर वाइल्ड का नोटीनेस इस मूवमेंट में जो पुराना फार्मूला था रिपीट हुआ कौन सा इक्वलिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी जो कि जो फ्रेंच जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका भी आ, फॉर्मूला था यानी कि उनका स्लोगन था ये उन्होंने ये नारा दिया था इक्वलिटी समानता लिबर्टी स्वतंत्रता एंड फ्रेटर्निटी भाईचारा इसी फॉर्मूले को रिपीट किया था इन लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट है वन नाइंटी सिक्स हु इज रॉबर्ट ब्रिजेस रॉबर्ट ब्रिजेस कौन है इंग्लिश पोइट इंग्लिश पोइट है रॉबर्ट ब्रिजेस रॉबर्ट ब्रिजिस इनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये लॉरियट रहे थर्टीन से लेकर नाइनटीन थर्टी तक ये इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ लॉरियट रहे हैं रॉबर्ट ब्रिजिस नेक्स्ट पॉइंट है बोथ अ फिलोसफिकल मूवमेंट एंड एन आर्ट मूवमेंट दोनों था ठीक है आर्ट मूवमेंट और ये नेक्स्ट हिस्टोरिस्ट ट्रडिशंस ठीक है कौन सा एज मॉडर्न एज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ 199 इन लिटरेरी कटिशिज्म डैश इज अ नरेटिव मोड और मेथड दैट अटेम्प्ट टू डिपिक्ट द मल्टीट्यूड डिए मल्टीट्यूडिनस थॉट एंड फीलिंग विच पास थ्रू द माइंड ऑफ द नरेटर ठीक है मॉडर्न एज जब आया तो यहाँ यहां पर क्या हुआ एक लिटरेरी डिवाइस मतलब आई एक नया मेथड आया लिखने का जो जिसे जाना गया स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस के नाम से ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें क्या होता है जो ऑथर है वो असंख्य विचार जो उसके मन में चल रहे होते हैं और जो उसकी फीलिंग जो रन कर रही होती है उसके माइंड में वो इसमें मतलब लिखता है टू हंड्रेड हु कॉइंट टर्म स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस अब बात आती है कि मतलब इसको कॉइन किसने किया था इस टर्म को जो स्टीम ऑफ कॉन्सियसनेस है इस एज का सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये एलेक्जेंडर बेन ने इसे इस टर्म को कॉइन किया था ठीक है ये इनका वर्क था 1855 में द सेंसेस एंड द इंटलेक्ट वेन यू रोड द कंकरेंस ऑफ देंसेसन इन वन कॉमन स्टीम ऑफ कॉन्सियसनेस ऑन द सेम सरिब्रेल हाई

टर्म को यूज़ किसने किया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस को ठीक है कॉइन करने वाले तो वो थे लेकिन इसे यूज़ किया था विलियम जेम्स ने ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आया था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के सिद्धांत उसमें उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था क्योंकि एक साइकोलॉजिकल टर्म है ये ठीक है नेक्स्ट है टू जीरो टू हु फर्स्ट अप्लाई द टर्म स्टीम ऑफ कॉन्सियसनेस इन ए लिटरेरी कॉन्टेस्ट वैन डिस्कसिंग ड्रॉ रिचर्डसन एटीन सेवनटी थ्री टू नाइनटीन फिफ्टी सेवन अठारह सौ तिहत्तर से उन्नीस सौ सत्तावन के नोवल्स में सो मे सिन क्लेयर ने इसे अप्लाइड किया फर्स्ट नेक्स्ट है टू जीरो थ्री हु वर द डोमिनेट पोइट ऑफ मॉडर्न पोइट्री मॉडर्न पोइट्री के डोमिनेटेड

ये और एलियट नेक्स्ट है वो रिवाइव्ड एनशियंट इरिज ट्रडिजन मतलब जो इरिस इरिजीशन है उन्हें रिवाइव किसने किया तो कौन करेगा उनको रिवाइव विलियम बटलर ईट इट इट्स इट, इट करेंगे क्योंकि ये ए, एक पॉइंट है ठीक है तो इन्होंने जो है एंशियंट अपनी परंपराओं को यहाँ की परंपराओं को पुनर्जीवित किया और इन्होंने एक थिएटर का निर्माण मतलब फाउंड मतलब एक थिएटर फाउंडेट किया था इन्होंने द एबी थिएटर जिसे आप लोग जानते होंगे एबी थिएटर उसे इन्होंने इन्हीं ने इन्हीं ने इसको फाउंड किया था एबी थिएटर आपने सुना होगा इसे इन्हीं के द्वारा फाउंडेट किया गया था ओके नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट हु रोट दी पोम लाइक दी वेस्टलैंड एंड होलोमैन ये वेस्टलैंड एंड होलोमैन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम मॉडर्न एज की इन्हें इसके द्वारा लिखा गया तो सो टी एस एलियट टी एस एलियट हु रोड दीज पोएम्स नेक्स्ट पॉइंट है इन विच ईयर द पोम दी वेस्टलैंड पब्लिस किस ईयर में ये पब्लिश हुई थी ठीक है ये मॉडर्न एज का एपिक माना जाता है ये बेसिकली जो पोइम है वेस्टलैंड ये एक नॉर्मल पोइम नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है मॉडर्न एज की जिसे इस एज का एपिक माना जाता है जिसे 1909 मतलब बाईस में पब्लिश किया गया था ठीक <coughs> है पब्लिश इन उन्नीस सौ इट हैज जस्ट फोर हंड्रेड थर्टी फोर लाइन्स हैं इसमें और ये फाइव भाग में मतलब इसके पांच भाग हैं उसमें ये डिवाइडेड है चार सौ चौंतीस लाइन्स में ठीक है हु हुड दैट ही इज ए किसने कहा था क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन किसने कहा था ये तो ये टी एस एलियट का स्टेटमेंट है कि आई एम क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन अपने आप को ये एंग्लो कैथोलिक मानते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है पोइट हैं सेवनटीन सेंचुरी जो पोइट थे उनके ऊपर ऐसे लिखा है इन्होंने ठीक है और इस पोइट्री को अप्रिसिएट करने वाले थे टी एस एलियट नेक्स्ट पॉइंट है हु रोड द क्रिटिकल वर्क दुड ये सैक्रेड वुड ठीक है इनका कलेक्शन है एसेज का कलेक्शन है जिसे 1920 में पब्लिश कराया गया और इसमें 20 एसेज थे ठीक है 20 एसेज थे तो किसने लिखा था ये टी एस एलियट का कलेक्शन है ये ऐसे कला ठीक इसका सैक्रेड वुड इज अ कलेक्शन ऑफ एलियट फर्स्ट पब्लिश इन नाइनटीन नेक्स्ट पॉइंट है हु पॉपुलराइज द टर्म ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव किसने पॉपुलर किया इस टर्म को सुबर्ण so

गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट ये पोम किसकी है सो डायमस रोड दोम डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइटीन हु रोड दोम चर्च गोइंग सो फिलिप फिलिप आर्थर लार्किन रोड दोएम चर्च गोइंग सबके सब जो ऑथर है ये सब मॉडर्न एज से एसोसिएटेड है फिलिप लार्किन डायलन थॉमस ओके नेक्स्ट है टू फिफ्टीन हु रोड दी नेक्स्ट है टू फिफ्टीन हु रोड दी हॉक इन द रेन एंड हॉक रोस्टिंग सो टेड ही ह्यूज रोड दी हॉक इन द रेन एंड हॉक रोस्टिंग ये दोनों की दोनों वर्क इनके हैं टेड यूज़ की ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मॉडर्न एज के क्योंकि ये लॉरियट रहे हैं इंग्लैंड के लॉरियट कब अपॉइंट हुए थे ये नाइनटीन एटी फोर में ठीक है नाइनटीन नाइनटीन एट्टी फोर में ये पॉइंट ऑफ लॉरियट रहे इंग्लैंड के ओके सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच हाई एवरी वन दिस इज़ कीर्ति एंड आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये इसका फाइव पार्ट है इससे पहले हम फोर पार्ट इसके डिस्कस कर चुके हैं सो गाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टी जी टी पी जी एंड विजिटिंग फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट यू मे गेट ऑल दी वीडियोज ऑफ दिस चैनल बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टेट टी जी टी एग्जाम्स एंड नाउ डिस्कस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सर so, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है टू सिक्सटीन हम स्टार्ट कर रहे हैं इन विच ईयर द इमेजिस्ट मोमेंट स्टार्ट किस ईयर में इमेजिस्ट मोमेंट स्टार्ट हुआ था सो so, ये ये मोमेंट एक ग्रुप था इंग्लिश और ब्रिटिश पोइट का एक ग्रुप था बेसिकली जो कि स्टार्ट हुआ था नाइनटीन ट्वेल्व में उन्नीस सौ बारह में स्टार्ट हुआ था इसके जो लीडर थे इस ग्रुप के वो थे इसरा पॉइंट ओके नाइनटीन टवेल्व नाइनटीन टवेल्व में स्टार्ट हुआ था मोमेंट okay? इमेजिस्ट नेक्स्ट है विच मोमेंट इज़ नोन फॉर एग्जैक्ट इमेजरी एंड क्लियर शार्प लैंग्वेज तो नाम से ही पता है इमेज यही मोमेंट है इमेजिस्ट मोमेंट है जो कि इमेजरी और क्लियर शार्प लैंग्वेज के लिए जाना नेक्स्ट पॉइंट है टू एटीन हु वॉज दी मोस्ट पॉपुलर पोइट ऑफ इमेज मोमेंट इस मोमेंट के मोस्ट पॉपुलर पॉइंट यानी इस ग्रुप के लीडर कौन थे वो थे इजरा पॉन्न ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ग्रुप के इजरा पॉइंट डी थी 219 इन विच ईयर डैश इमेजेस वाज पब्लिश किस ईयर में ये जो है पब्लिश हुई डैश इमेजेस तो ये 1914 में पब्लिश हुई थी जो कि एंथोलॉजी थी एक इजरा पॉन्ड ने जिसे एडिटेड की एडिट किया था नेक्स्ट है 220 डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट ऑफ़ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट और ऑफ टू रिप्रेजेंट एन एब्सट्रैक्ट आइडिया यानी कि लिटरेचर की एक ऐसी प्रैक्टिस है ना एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें ऑब्जेक्ट और या फिर वर्ड को मतलब वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट या फिर किसी वर्ड के थ्रू जो एब्सट्रैक्ट आइडिया हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे सिम्बोलिज्म कहते हैं ठीक है सिम्बोलिज्म यानी सिम्बल के माध्यम से लिटरेचर को एक्सप्लेन किया जाता है नेक्स्ट है टू ट्वेंटी वन अराउंड विच ईयर सिम्बोलिज मोमेंट बिकेम पॉपुलर इन किस ईयर में ये मूवमेंट मोमेंट पॉपुलर हुआ सिम्बोलिज्म सो एटीन नाइन्टी एटीन नाइन्टी में ये मोमेंट जो है पॉपुलर हुआ नेक्स्ट पॉइंट है टू ट्वेंटी टू सिम्बोलिज्म इज फाउंड इन पोइट्री ऑफ ये सिम्बोलिज्म किस की पोइट्री में पाया जाता है तो ये जो सिम्बॉलिज्म है हमें टी एस एलियट यानी मॉडर्न पोइट है टी एस एलियट और डब्ल्यू ईट्स इनकी पोइट्री में हमें ये देखने को मिलता है नेक्स्ट पॉइंट है हु रिप्रेजेंटेड सिम्बोज्म इन मॉडर्न नोवल्स मॉडर्न नोवल्स में इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है तो जिस तरीके से पोइट्री में जिस तरीके से पोइट्री में टी एस एलियट और डब्ल्यू ईट्स ने सिंबल्स का यूज़ किया है मतलब सिम्बल्स के थ्रू ठीक है अपनी मतलब फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है मॉडर्न टाइम की उसी तरीके से जेम जॉयसी एंड वर्जिनिया वुल्फ के नोवेल्स में सिम्बोलिज्म का भरपूर यूज़ किया गया है ठीक है इनके नोवेल्स में हमें सिम्बोलिज्म देखने को मिलता है नेक्स्ट पॉइंट है टू ट्वेंटी फोर हु वॉज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नोवलिस्ट ऑफ सिम्बोलिज्म सो पॉल एडम वॉज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नोवलिस्ट ऑफ सिम्बोलिज्म नेक्स्ट पॉइंट है इन विच ईयर द बीट मोमेंट स्टार्टेड किस ईयर में ये मोमेंट uh, स्टार्ट हुआ था सो so, ये स्टार्ट हुआ था 1948 में जिसे बीट जनरेशन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ये अमेरिकन कल्चर एक मोमेंट था यानी बेसिकली ये अमेरिका से एसोसिएटेड था सो नाइनटीन फोटी ठीक है इसकी जो इंपॉर्टेंट इसके पोइट थे इस मोमेंट के बीट जनरेशन के जैसे हर्बर्ट हंक हंक एलन गिन्सवर्ग सबसे इंपॉर्टेंट यही है एलन एन इन्हें याद रखना है आपको विलियम एस बरो है ना और लूसियन कैर एंड कैरॉक ई टी सी ये सारे इसके जो हैं ऑथर हैं नेक्स्ट पॉइंट है हु कॉइन टर्म बीट जनरेशन ये टर्म किसने कॉइन किया था सो दिस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय जैक कैरॉक जैक कैरॉक ठीक है जैक कैरॉक के द्वारा ये टर्म कॉइन किया था बीट जनरेशन जिसे हम बीट मोमेंट के नाम से जानते हैं नेक्स्ट है टू ट्वेंटी सेवन दी हरलेम रेनेसा वॉज ए डैश मोमेंट तो हरेना रेनेशा क्या था ये भी ये कल्चरल मोमेंट था बेसिकली ठीक है और ये अफ्रीका का मोमेंट था अफ्रीकन मूवमेंट था ये एक एक्चुअली ये मॉडर्न मतलब मॉडर्न पीरियड चल रहा है ना मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ हो रहा था युद्ध शुरू हो गया था हर जगह वार स्टार्ट हो गया था तो अलग अलग जगह पर मूवमेंट्स देखने के मिल रहे थे ठीक है तो जैसे एक जैसे बीट जनरेशन अभी अमेरिका का मूवमेंट था इमेजिस्ट आ, अमेरिका और ब्रिटिश दोनों का ग्रुप था और ये जैसे हरलीम रहनासा ये एक अफ्रीकन कल्चर मूवमेंट था है ना नेक्स्ट है टू ट्वेंटी एट द ब्लैक माउंटेन पोइट्स वर आल्सो नोन एज ये जो पोइट हैं ब्लैक माउंटेन पोइट ये और किस नाम से जाने जाते हैं तो द प्रोजेक्ट विस्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है ये भी मिड ट्वेंटीन सेंचुरी का एक अमेरिकन ग्रुप था जो कि मतलब इस ग्रुप के जो पोइट थे वो ब्लैक माउंटेन कॉलेज से थे इसीलिए उस कॉलेज के नाम पर इस ग्रुप का नाम मतलब इन पोइट्स का नाम ब्लैक माउंटेन पोइट पड़ गया ठीक है नेक्स्ट है टू नाइन टू ट्वेंटी नाइन दी हंगड़ी जनरेशन हंगरी जनरेशन वॉज ए लिटरेरी मूवमेंट इन दी तो ये भी एक मूवमेंट था हंगरी जनरेशन ये एक इंडियन मूवमेंट था ठीक है जिसकी लैंग्वेज थी बंगाली लैंग्वेज तो हमारी इंडिया में बोली जाती है ना बंगाली लैंग्वेज इसके जो पॉपुलर इसके जो राइटर थे वो थे बिनोए मजूमदार शक्ति चट्टोपाध्याय को नाम भी इंडियन है इसके सेल्सवार है ना घोष मलाय मेले रॉय चौधरी समीर रॉय चौधरी एंड देवी रॉय है ना सभी मल बरसक ई टी सी व मेजर फिगर इन दी मूवमेंट ये हंगरी जनरेशन एक इंडियन मूवमेंट था नेक्स्ट है टू थर्टी विच इज़ नोबलिस्ट लाइक हैंनरी जेम्स जोसेफ कॉन्ड्रेड एंड रुड्यार्ड किपलिंग आर ऑलली रिलेटेड टू यानी कि कुछ पोइट्स के नाम हैं जैसे जोसेफ़ कॉन्ड्रेड हो गए है ना रुडियाड किपलिंग हैं और हैंनरी जेम्स हैं ये किस ग्रुप मतलब किस एज से बेसिकली ओरिजिनली रिलेटेड हैं आपको बताना है तो ये विक्टोरियन एज से हैं ये तीनों के तीनों पॉइंट मतलब पॉइंट ठीक है क्योंकि हम जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होती है उसमें उन पोइट को मेंशन किया जाता है जिनका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मतलब कंट्रीब्यूट होता है जिनका कंट्रीब्यूशन होता है मतलब उन्हीं का तो नाम मेंशन होगा हिस्ट्री में हिस्ट्री में ऐसा तो है नहीं कि सबका नाम मेंशन कर दिया जाएगा तो जरूर इन्होंने कुछ ना कुछ रिगार्डिंग कुछ अच्छा काम किया होगा तो इनका नाम भी है अच्छे पोइट है विक्टोरियन एज की तो यहाँ भी इनका नाम भी मैंशन है तो जोसेफ कॉन्ड्रेड इनमें ब्रिटिश राइटर थे ठीक है जोसेफ रुडियार्ड किपलिंग ये ये इनका जन्म दे रखा है यहाँ पर यह इंग्लिश जर्नलिस्ट हैं स्टोरी राइटर है पोइट है, नॉवलिस्ट हैं और कौन है आ, इंडिया में बॉर्न है जोसेफ रोडियार्ड किपलिंग बॉर्न इन इंडिया है ना हेनरी जेम्स हैं ये अमेरिकन ब्रिटिश ऑथर हैं ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं टू थर्टी वन हु रोड द नावल वार एंड पीस वॉर एंड पीस एक नॉवल का नाम है किसके द्वारा लिखा गया बताना है आपको तो टोल्स तो टॉय जिनका पूरा नाम है लियो टोल्स टॉय जो कि एक रशियन राइटर हैं ठीक है लियो टोल्स टॉय जन्म है इनका रशियन राइटर हु बेस्ट नोन फॉर द नावल वॉर एंड पीस एंड एना करीना नेक्स्ट है हु रोड द नावल मिडिल मार्च मिडिल मार्च नोवल किसका जॉर्ज एलियट जॉर्ज एलियट जो कि इनका एक सीडो नाम है इनका जो रियल नाम था वो है मेरी एन एनिवानस लेकिन ये लिखती थी जॉर्ज एलियट के नाम से ठीक है ये इनका पैन नेम है तो मिडिल मार्च इनका नॉवल है बहुत अच्छी राइटर है ये विक्टोरियन एज की यहाँ पर इनके वर्स की लिस्ट है ना रोमोला फ्लैक्स हॉल्ड द रेडिकल मिडिल मार्च एंड डैनियल डिर ये सारे इनके वर्क हैं नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर दरेटिव मोड और मैथड दैट अटैम टू डिपिक्ट द मल्टीट्यूडिनस थाट्स एंड फीलिंग विच पास थ्रू द माइंड ऑफ द इनरेटर इज कॉल्ड ठीक है तो नैरेटिव मोड एक जो मॉडर्न एज था उसमें एक नया नैरेटिव मोड आया नई टेक्निक आई राइटिंग की जिसमें क्या डिपिक्ट किया जाता है राइटर के मन में चल रहे असंख्य विचार जो एक साथ रन कर रहे होते हैं है ना उनको उन थॉट को आ, मतलब मतलब उनको एक रूप दिया जाता है जैसे लिखते समय जो भी कुछ उसके माइंड में चल रहा होता है उस वो एक टेक्निक होती है जिसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस के नाम से जाना जाता है जिसे मॉडर्न टाइम पीरियड में मतलब ये एक टेक्निक बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है मोस्टली राइटर इसी टेक्निक में लिखते थे नेक्स्ट है टू थर्टी फोर हो इज़ द बेस्ट डोमिनेटिंग स्टीम ऑफ कॉन्सियसनेस नावलिस्ट ठीक है तो जो मोस्ट डोमिनेटिंग राइटर है इस टेक्निक को यूज़ करने में मतलब जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस एक uh, मतलब जो है साइकोलॉजिकल डिवाइस है बेसिकली इसको uh, बहुत अच्छे से यूज़ करा है वर्जीनिया वुल्फ ने अपने नावल्स में सो द राइट आंसर इज वर्जीनिया वुल्फ वर्जीनिया वुल्फ मॉडर्न एज की बहुत अच्छी नावलिस्ट हैं नेक्स्ट पॉइंट है टू थर्टी फाइव देन बॉडी ठीक है ऐसा कौन मानता है कि जो ट्रू लव है वो मतलब माइंड से उसका कनेक्शन है बॉडी से ज्यादा तो डी एच लॉरेंस का ऐसा मानना है इस तरह तो ये वर्ल्व डी एच लॉरेंस का है ठीक है इनके और भी नॉवल्स हैं जैसे सन्स एंड लवर्स के लिए जाने जाते हैं द रेनबो वोमेन इन लव दीडी चार्ड चैटरली लवर ठीक है नेक्स्ट है टू थर्टी सिक्स हु रोट पॉइंट काउंटर पॉइंट तो ये एल्डस हक्सली का वर्क है पॉइंट काउंटर पॉइंट ठीक है एल्डस हक्सली 1894 नाइनटी फोर टू नाइनटीन सिक्सटी थ्री वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड फिलोसफर इन इज़ मोस्ट फेमस नोवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए मैंने जानती जो नाइनटीन थर्टी में आया था एंड इज़ फाइनल नोवल आई 1962. ठीक है इनके जो दो ही नोवेल हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड आई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसमें इन्होंने अपना विज़न डिस्टोपिया एंड यूटोपिया दोनों ही विज़न को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है Next 237 who explored the hollowness and deepness of abstract intellectualism and upper class social life in his novels. So E. M. Foster. E. M. Foster who explored the hollowness and deepness of abstract intellectualism and upper class social life in his novels.

मतलब जो ह्यूमन नेचर है उसको दिखाया गया है किसके नॉवल्स में सो वर्जीनिया वुल्फ वर्जीनिया वुल्फ मैंने बताया डोमिनेटिंग राइटर है ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस एक टेक्निक है जिसमें साइकोलॉजिकल स्टडी की जाती है ह्यूमन नेचर की कि एग्जैक्टली ह्यूमन सोचता कैसे उसकी थॉट प्रोसेसिंग क्या होती है कि वो जब हम हम जैसे हम खुद ही देख लें एक्सपेरिमेंट करके कि कोई हम ये थोड़ी ना है कि मतलब एक एक तरह की बात सोचते हैं हम कई सारी चीज़ें एक बार में सोचते हैं ना कभी हम फ्यूचर की सोचते हैं कभी हम पास्ट की सोचने लग जाते हैं कभी फिर हम एकदम से ख्याल आता है कि अरे अभी तो मैं प्रेजेंट में हूँ मुझे प्रेजेंट पर फोकस करना है इस तरीके की एक प्रोसेसिंग होती है जिसे हम साइक्लॉजिकल स्टडी बोलते हैं ना ये सा, ये सारी चीज़ें हमारी साइकोलॉजी पर जो है आ, बेस होती हैं तो साइकोलॉजिकल अध्ययन इस टेक्निक में किया जाता है तो वर्जीनिया वुल्प में खूब जमकर इसका यूज़ किया है और ये उनके इंपॉर्टेंट नॉवल्स हैं दॉइज आउट 1915 नाइट एंड डे 1919 जैकब रूम 1922 नाइनटीन डॉलवे टू द लाइट हाउस ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका 1927 ओके okay? और ये भी हैं ओरलैंडो अ बायोग्राफी 1928 द वेव्स 1931 द इयर्स 1937 बिटवीन द एक्ट ये सारी की सारी वर्क है वर्जीनिया वुल्फ के नेक्स्ट है विच मॉडर्न ऑथर इज़ नोन फॉर राइटिंग सीरियस कैथोलिक नावल एंड द्रिलर्स और एंटरटेनमेंट ठीक है कौन से मॉडर्न ऑथर हैं जो इस तरीके के जैसे सीरियस कैथोलिक नावल्स हो गए या फिर थ्रिलर्स हैं या फिर एंटरटेनमेंट इस तरह के जो हैं वर्क लिखते हैं तो ग्राहम ग्रीन इस तरह के ऑथर हैं ठीक है तो इनके वर्क जो है इम्पोर्टेंट होंगे उनमें कुछ बात होगी इसीलिए इन्हें हिस्ट्री में मेंशन किया गया ऐसे थोड़ी है कि मतलब कोई भी रख दिया जाएगा ग्राहम ग्रीन कोई तो स्टैंड मतलब कोई तो स्थान रखते होंगे इसमें इसलिए ठीक है तो इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी इनको होता है तो सारे राइटर्स को कि मतलब इंग्लिश लिटरेचर में या एस में मतलब अब से अब तक किसने क्या क्या लिखा कितना अच्छा लिखा किसने क्या दर्शाया सब सब हर किसी की राइटिंग के माध्यम से हमें बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग मतलब आ, होती है हमें समझने को मिलता है कि मतलब उस टाइम का दौर कैसे था या किस तरीके से चीज़ों को समझा जा सकता है और कैसे लिखा जा सकता है तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें प्रेस्क्राइब किया जाता है अच्छे ऑथर्स को तो ये सारे वही हैं सारे अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं 242 फोर्टी टू हु दी नोवल एनिमल फार्म एनिमल फार्म किसने लिखा था तो जॉर्ज औरबेल ने लिखा था कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है क्योंकि इनका एलोगरिकल वर्क है ठीक है जब भी एलगरी के वेस्ट एग्जाम्स एग्जाम्पल्स की बात होती है तो उसमें हम दो चार एग्जाम्पल्स देते हैं जैसे कि जॉन बर्न का प्रो, पिलग्रम प्रोग्रेस है ना जो कि एक रिलीजियस एलगरी है ऐसे ही स्पाइनसर का फेरी कोई नहीं हम उसका एग्ज़ाम्पल देते हैं उसी तरीके से जॉर्ज बेल का एनिमल फार्म एक आ, एनिमल एलगरी है ठीक है इसमें ये एनिमल फॉर्म में है और एक सेटारिकल एलगरी है इनका ठीक है तो ये इनका नाम है इरिक आर्थर ब्लेयर ये इनका पूरा नाम है इनका जन्म हुआ था 1903 में 1950 डेथ नोन बाय हिज पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल ठीक है तो ये जो रियल नेम है ना वो इनका इरिक आर्थर ब्लेयर है जबकि इनका जो पेन नेम है यानी जो इनका फिक्सियस नेम है वो जॉर्ज ऑरवेल है ओके नेक्स्ट है ठीक है इनका जो वर्क है ना यानी मल फॉर्म ये सेवनटीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी फाइव को पब्लिश हुआ था नेक्स्ट पॉइंट है हु रोड दी नॉवल द लॉर्ड ऑफ दी फ्लाइज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज भी बहुत अच्छा वर्क है ये किसका वर्क किसका नॉवल है तो विलियम गोल्डिंग का नॉवल है ये नेक्स्ट है टू फोर्टी फोर हु इज रिगार्डेड एज द टीचर ऑफ मॉडर्न ड्रामेटिस्ट ठीक है मॉडर्न जो ड्रामेटिस्ट हैं हमारे जैसे जॉन कार हैं और कौन है जी वी शॉ है ये मॉडर्न ड्रामेटिस्ट हैं तो इनके एज ए टीचर के रूप में हम किसे मानते हैं तो हैंड्रिक जॉन इप्सन को हम इनका टीचर मानते हैं ठीक है हेनरी इप्सन बेसिकली फाउंडर ऑफ मॉडर्निज्म नेक्स्ट है नेक्स्ट है हु इज नोन एज अ मास्टर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज ड्रामा ऑफ आइडियाज के मास्टर कौन है सो जी बी शॉ इज़ द मास्टर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज़ जी बी शॉ ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट हैं ड्रामाटिस्ट हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एटीन फिफ्टी सिक्स टू नाइनटीन फिफ्टी एन एरिश प्ले राइट मेजर ड्रामाज आर आर्म्स एंड द मैन कैंडिडा मैन एंड सुपर मैन और पिग मैलियन एंड सेंट जॉन और 1925 में इन्हें मैंने नोबल प्राइज़ मिला था तो ये डेट भी याद रखनी है आपको और इनका ये वाला जो ये वाला प्ले है ये बहुत है, मतलब प्ले है ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में और आर्म्स द मैन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वार की है ना फ्यूटिलिटी को दिखाया गया कि वार कितना तुच्छ है वार की मतलब वार को क्रिटिसाइज किया गया है ठीक है नेक्स्ट है हुज़ प्लेज आर कॉल्ड एंटी रोमांटिक एंटी रोमांटिक प्ले किस मतलब हैं जी बी शॉ के जी बी शॉक के जो प्लेज हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं एंटी रोमांटिक होते हैं मतलब रोमांटिक एलिमेंट उसमें नहीं होते हैं ठीक है वो बात करते हैं तो कोई ना कोई आ, बात करते हैं तो एक मतलब सीरियस मुद्दे पर वो बात करते हैं जैसे कि वार हो गया ठीक है डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया देश में और कोई जो है जूडी से, जूडीसरी से सिस्टम हो गया इन चीज़ों पर ये लोग ये बात करते हैं जी बी शौ नेक्स्ट इन टू फोर्टी सेवन इन मॉडर्न ड्रामाटिस्ट हु इज़ द मास्टर इन प्रॉब्लम प्लेस ठीक है मॉडर्न ड्रामाटिस्ट में प्रॉब्लम प्लेस का मास्टर कौन है सो एवरीबडी नोज जॉन गार्ल्स वर्दी इज द मास्टर ऑफ प्रॉब्लम प्लेस जॉन गार्ल्स वर्दी ठीक है एटीन सिक्सटी सेवन नाइनटीन थर्टी थ्री इनका जन्म इंग्लिश नोवल प्ले राइट पॉपुलर वर्कस हैं इनके फोर साइड सागा हु गेव हिम नेम एंड फेम डॉलर शहरत इससे कमाई इसके लिए इन्हें नाइनटीन थर्टी टू में नोबल प्राइज़ भी मिला ठीक है और इनके जो प्लेज हैं उनमें सोशल प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है इनके टाइम की ठीक है अच्छे से इन्होंने दिखाया नेक्स्ट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू फोर्टी एट हु मास्टर ऑफ एब्सर्ड प्ले एब्सर्ड प्लेज ठीक है अभी हमने पढ़े ना मॉडर्न ड्रामा अब एक एब्सर्ड ड्रामा भी होता है इसके मास्टर कौन है तो इसके मास्टर हैं सैमुअल बैकेट इज द मास्टर ऑफ एब्सर्ड प्ले ठीक है इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं वेटिंग फॉर गोडो एंड गेम हैप्पी डेज नाइनटीन सिक्सटी वन एंड बैकेट वॉज डिवाइडेड दाइनटीन सिक्सटी नाइन नोबल प्राइज इन लिटरेचर तो जो नोबल प्राइज़ मिलता है ना जिस राइटर को वो राइटर और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मतलब मतलब हमारे जो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1969 में इन्हें में नोबल प्राइज भी मिला है सैमुअल बैकेट को नेक्स्ट है टू फोटी नाइन इन विच टाइप ऑफ प्ले अ राइटर मेक अ डीप सर्च ऑफ कॉज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन सफरिंग ठीक है एप्सर्ड प्लेस एप्सर्ड प्लेस एक ऐसा प्ले होता है जिसमें राइटर क्या करता है एक सर्च डीप सर्च करता है कि जो ह्यूमन सफरिंग है ह्यूम की जो परेशानियां हैं उसका जो रूट कॉज क्या है इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है नेक्स्ट है टू फिफ्टी हु एक्सपोज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ यंग जनरेशन इन हिज प्लेस ठीक है किसने एक्सपोज किया है फ़्रस्ट्रेशन को तनाव को दिखाया है जो यंग जनरेशन है वो किस तरीके के तनाव से जूझ रही है उस फ्रस्ट्रेशन को अच्छे से डिपिक्ट किया है अपने वर्क में जॉन ऑसबॉर्न ने ठीक है जॉन ऑसबॉर्न इनका फेमस वर्क है द डैवल इनसाइड हिम और भी इनके वर्क हैं जैसे द ग्रेट बियर पर्सनल एनिमी लुक बैक इन एंगर ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है ठीक है जिसमें इन्होंने दिखाया है फ्रस्ट्रेशन को यंग जनरेशन की नेक्स्ट वन है हु रोड पोइटिक प्लेज लाइक कॉन्फिडेंटल क्लर्क 1953 एंड एल्डर स्टेटमैन नाइनटीन ये जो वर्क हैं ये किसके वर्क हैं टी एस एलियट के वर्क हैं तो है ये ठीक है Next I wrote the play the lady is not Forewarning, Christopher Fry cover ke, the lady is not for burning. Next I wrote the play The Dark is Light English. Christopher Fry Yebin cover. Ke. Next year, 254 Who exposed the hypocrisy, greed, hidden, corruption in his place, Henry Gibson. क्स्ट विच टाइप ऑफ प्ले इज सिल्वर किस टाइप की प्ले हैं ये सो ये सारे के सारे प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में आते हैं। हैंचर इन थर्टी टू इन विच प्ले शॉ इंट्रोड्यूस इज फेमस फिलोसफी ऑफ लाइफ फोर्स ठीक है इनकी जो फिलोसफी थी लाइफ फोर्स इसको किस प्ले में उन्होंने अपने वर्क में इंट्रोड्यूस कराया मैन एंड सुपरमैन में ठीक है मैन एंड सुपरमैन इज ए फोर एक्ट ड्रामा रिटेन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शो इन नाइनटीन नाइनटीन जीरो थ्री लाइफ फोर्स जो व्यू हैं मतलब जी वी शौक है उनके मैन एंड सुपर मैन में दिखाए गए हैं जिसमें क्या है कि उनका व्यू है दैट इन एवरी कल्चर मतलब कोई कल्चर चाहे कोई भी हो इट इज दी वोमैन ये तो वो ही होती है वो फोर्स दी मैन टू मैरी दैन वो मैन को फोर्स करती हैं शादी करने के लिए रादर देन द मैन हु टेक इनिशिएटिव मतलब उनकी तुलना में नेक्स्ट है टू फिफ्टी सेवन द थिएटर ऑफ एबसर्ड केम आउट एज अ रिएक्शन टू ठीक है थिएटर ऑफ एब्सर्ड का उदय कब हुआ तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के फलस्वरूप जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ उसके फलस्वरूप मतलब ऐसे उसके ऐसे परिणाम घटित हुए वर्ल्ड वॉर के कि जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है उसका उदय हुआ ठीक है नेक्स्ट टू फिफ्टी एट द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड फोकस लार्जली ऑन द आइडिया ऑफ डैश फिलोसफी ठीक है ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है इसकी जो आइडियोलॉजी है वो क्या है एक्सटेंसियलिज्म पर ये फोकस करता है नेक्स्ट इन विच टाइप ऑफ प्लेस द प्लॉट ऑफ एंड डाइवियट फ्राम द ट्रेडिशनल प्लेस ठीक है कौन से प्लेस में अक्सर क्या होता है कि जो प्लॉट है वो डाइविएट होता है ट्रेडिशनल प्लेस से तो एपसर्ड प्लेस ऐसे प्लेस हैं जिनका जो कोई प्लॉट नहीं होता कोई स्टोरी नहीं होती है ठीक है क्योंकि एप्सर्ड है ना उसमें एबसर्ड ऑफ लाइफ को दिखाया गया है कि लाइफ किस तरीके से एक मतलब पर्पज़ लेस है है ना कोई इसका एम नहीं है एब्सर्डिटी फुल ऑफ एब्सर्डिटी है ओके okay? तो कोई प्लॉट और कोई स्टोरी यहाँ हमें देखने को नहीं मिलता प्ले ख़त्म हो जाता है और एंडिंग में हमें लगता है अरे ये क्या था यार ये था है तो कुछ समझ में नहीं आया ठीक है जैसे पुराने जब मूवी नई मूवीज़ में भी आजकल ऐसा ही होता है एबसर्ड होती है एकदम एंड होता है तो एकदम से एब्रप्टिंग एंडिंग हो जाती है समझ में ही नहीं आता है कि यार ये क्या था ये ऐसे कैसे हो गया लेकिन जो पुरानी मूवीज़ थी हमने हम देखते थे ना शादियाँ होती थी बड़े अच्छे से हीरो हीरो मिल गए जो लड़ाई झगड़े थे वो सब खत्म हो जाते हैं लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाती है स्टोरी की इस तरीके से कोई स्टोरी इसमें नहीं होती है देखने को मिलती इसमें है ना कुछ अलग ही चल रहा होता है नेक्स्ट है टू सिक्सटी इन विच टाइप ऑफ प्ले द डायलॉग नेवर सीम टू मेक एन एनी सेंस है ना तो कौन से जो प्ले प्ले हैं जिसमें कोई सेंस नहीं निकलता डायलॉग का तो एब्सर्ड प्ले जिसकी हम बात कर रहे हैं एब्सर्ड प्ले कैसे प्ले होते हैं जिसमें कोई सेंस नहीं निकालते निकलता डायलॉग से कुछ भी कुछ भी चलता है डेली रूटीन डेली यूज की मतलब डेली चैटिंग भी उसमें होती है ठीक प्रजेंटेड द यूजलेसनेस ऑफ लैंग्वेज बाई द हैविंग द एयर करेक्टर कॉन्स्टेंटली स्पीक इन क्लिच और uh, ओवर यूज टायर्ड एक्सप्रेशन दैट्स इट नेक्स्ट है टू सिक्सटी वन हु रोड द प्ले वेटिंग फॉर गोडो सैम्यल बैकेट सैम्यल वैकेट का प्ले है वेटिंग फॉर गोडो नेक्स्ट है वॉट इज द क्वालिटी ऑफ हैरोल प्रिंटर प्ले इनकी प्ले की क्वालिटी क्या हैरोल प्रिंटर ठीक है बहुत बड़ा नाम है इनको भी नोबल प्राइज मिला हुआ है दो हज़ार पाँच में इनको नोबल प्राइज़ मिला था हैरोल प्रिंटर को इनका प्ले है बर्थडे पार्टी बहुत फेमस है वो ठीक है उसका एग्जाम्पल दिया जाता है हर जगह लैक ऑफ एक्सप्रेशन हेरोल्ड पिंटर नाइनटीन थर्टी से लेकर टू थाउजेंड एट वॉज ए ब्रिटिश प्ले राइट स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एक्टर इज बेस्ट नोट प्लेज इंक्लूड द बर्थडे पार्टी द होम कमिंग एंड बिट्रेल ही वॉन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट है टू सिक्सटी थ्री हु फर्स्ट यूज दर्म एबसर्ड ठीक है किसने ये टर्म यूज किया था सबसे पहले अल्बर्ट कैमस अल्बर्ट कैमस फ्रेंच फिलोसोफर फर्स्ट यूज टर्म एब्सर्ड नेक्स्ट है वॉट इज एक्सप्रेसनिज्म एक्सप्रेसनिज्म क्या है सो so, एक लिटरेचर की स्टाइल है लिटरेरी स्टाइल नेक्स्ट है टू सिक्सटी फाइव इन विच प्ले अ करेक्टर एक्सप्रेस इज मेंटल एगोनी इन लॉन्ग मोनोलॉग ये एक्सप्रेसिस्टिक प्ले होते हैं जिसमें एक जो करेक्टर होता है अपनी मेंटल एगोनी को मोनोलॉग के थ्रू एक्सप्रेस करता है नेक्स्ट है हु आर द मैन एक्सप्रेसनिस्ट प्ले राइटर मतलब जो इंपॉर्टेंट राइटर है इस जॉन्ड्रा के वो कौन है सो so, यूजीन ओनेल टेनन्स विलियम्स आर्थर मिलर आर द इम्पॉर्टेंट ऑथर ऑफ दिस पार्टिकुलर स्टाइल प्ले राइट इन्फ्लुएंस बाई एक्सप्रेशन इज व स्कीन ओ स्के एज इन नेल एलमर राइस टीनस विलियम्स आर्थर मिलर सैम्यल बैकच ओके प्ले राइट इन्फ्लुएंस बाई एक्सप्रेशन इज्म नेक्स्ट है हु रोड द्ले हैरी एप हु रोट हैरी एप वंडरफुल प्ले बाई यूज इन ओ नैल इनका प्ले है ये ये इनके प्लेस की लिस्ट है सारी की सारी नेक्स्ट है टू सिक्सटी एट और वॉज एपिक थिएटर ये भी एक है ना एपिक थिएटर ये भी एक तरह का है तो ये एक मोमेंट है एपिक थिएटर ठीक है नेक्स्ट है टू सिक्सटी नाइन हु स्टार्ट एपिक थिएटर स्टार्ट किसने किया था सो बर्ट ऑल का नाम इसमें आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हु स्टार्ट एपिक थिएटर इनका पूरा नाम है जैन बर्थोल्ट फ्रेडरिक बैचट एटीन नाइनटी एट नाइनटीन फिफ्टी से नोन प्रोफेसली बर्टोल्ट बैचट प्रोफेशनली इनको बर्टोल्ट बोला जाता है मतलब एक निक नेम की तरह वॉज इज जर्मन थिएटर प्रैक्टिसनर नर प्ले राइट एंड पोइट ठीक है जर्मन थे जर्मन फिलोसफर हैं नेक्स्ट है टू सेवेंटी वॉट इज द गोल ऑफ एपिक थिएटर एपिक थिएटर का उद्देश्य क्या है ऑडियंस इज ऑलवेज अवेयर ऑफ वॉचिंग अ प्ले ऑडियंस क्या है हमेशा अवेयर होनी चाहिए प्ले को देखते समय इनका उद्देश्य ये है मतलब ये नहीं है कि वो खो जाए उसमें पागल हो जाए ठीक है कि मतलब जो उनके साथ मतलब वो नहीं जो जो कैथारसिस में होता है जो एरस्टोटल का था वो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि मतलब परगेशन होना चाहिए पीटीफियर उस वो राउज़ होना चाहिए ऐसा नहीं है इसमें ऐसा है इनका कहने का मतलब ये होता है कि मतलब आ, आ, आप उसको प्ले को प्ले की तरह देखो मतलब आप उसको अपने आप से मत जोड़ो ठीक है आप आप को प्ले प्ले है आप जानते हो उसकी रियलिटी क्या है उस रियलिटी से आपको अवेयर होना चाहिए कि जो प्ले होते हैं वो ठीक है बनाए जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के लिए ये नहीं है कि आप उसमें घुस जाएँ और आप अपने आप को उससे जोड़ने लग जाएँ तो बस आप वो एक एंटरटेनमेंट का जरिया है सो बस जस्ट आप उसे एक एंटरटेन करो जस्ट चिल करो बस नेक्स्ट है एपिक थिएटर वॉज ए रिएक्शन अंगेस्ट ये रिएक्शन है किसके अंगेस्ट ठीक है तो कोई ना कोई जो नई चीज आती है उसका किसी ना किसी के वो अंगेस्ट ही आती है ना किसी चीज को को गलत बताती है हर हर एक विचारधारा के अपने अपने आउटलुक अपने अपने विचार होते हैं कोई किसी के कहने से गलत होता नहीं है ठीक है जो नेचुरल ड्रामा थे जो पुराने ड्रामा थे उनका अपना एक अस्तित्व तो अपना एग्जिस्टेंस है अभी जो नए राइटर आए मॉडर्न टाइप में इन्होंने अपनी स्टाइल से चीज़ों को बदल दिया तो इन्होंने इनका मानना है कि जो नेचुरल जो ड्रामा है इनको इन इन्होंने पसंद नहीं किया कि क्या मतलब वो हैप्पी एंडिंग दे दो एक प्लॉट दे दो नकली सा लगता है ये कोई रियलिटी थोड़ी है मतलब ह्यूमन लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है तो ये क्या है अंगेस्ट रिएक्शन था नेचुरलिस्ट ड्रामा यानी कि जो पुराने ड्रामा थे जो ट्रेडिशनल ड्रामा है उनके अंगेस्ट नेक्स्ट है टू सेवनटी टू इन विच टाइप ऑफ ड्रामा करेक्टर प्ले मेनी रोल्स है ना तो कौन सा ड्रामा है जिसमें बहुत सारे रोल प्ले करते हैं आ, करेक्टर सो एपिक थिएटर सो ओके नेक्स्ट है टू थ्री इन विच टाइप मॉडर्न प्ले कोरस इज यूज किस टाइप के प्लेज में कोरस यूज होता है थिएटर इन एपिक थिएटर वॉट इज वर्क फ्रेम डंग इफेक्ट क्या है ये एक है न जर्मन टर्म है ये वॉट इज वर्क फ्रेम डंग ड तो इस ये एक जर्मन टर्म है जिसका अर्थ होता है एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट एलिनेशन इफेक्ट बोलते हैं इसको ठीक है जिसे यूज़ किया जाता है इस थिएटर के अंदर नेक्स्ट डेट टू सेवेंटी फाइव एपिक थिएटर होल्ड दी नॉन एस् एरिस्टोटेलियन अप्रोच टू ड्रामा नॉन एस्टोल नॉन एरिस्टोटेलियन अप्रोच को यूज़ करते हैं ये ड्रामा में यानी एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग नहीं है इनके रूल्स रेगुलेशन अलग है उनसे नेक्स्ट है वॉट इज़ पोस्ट कॉलोनियन लिटरेचर वो मतलब पोस्ट कॉलोनियन लिटरेचर क्या था सो लिटरेचर वाई पी है ना फ्राम फॉर्मरली कॉलोनाइज कंट्रीज़ यानी कि ऐसे लोगों के द्वारा लिखा गया कट लिटरेचर जो पहले के टाइम में खुद कॉलोनीज़ रह चुके थे ब्रिटिश की ब्रिटिश के ब्रिटिश ने बहुत कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दिया था ना बहुत सारे कंट्रीज़ को उसने अपनी कॉलोनी बनाया था जिन जिन कंट्री को कॉलोनी बनाया था उनके अत्याचारों से परेशान होकर इन लोगों ने लिखा था ठीक है अपनी सफरिंग्स को नेक्स्ट है टू सेवेंटी सेवन फ्रॉम विच कंट्री टॉनी मॉरिसन बिलोंग टू किस कंट्री से रब संबंध रखते हैं टॉनी मॉरिसन तो ये अमेरिका से संबंध रखते हैं ठीक है और इनका जो है पूरा नाम है कोल एंथनी वोफर्ड मॉरिसन नाइनटीन थर्टी वन टू थाउज नाइनटीन नोन एज टॉनी मॉरिशन वॉजन अमेरिका नॉवल द कॉल फर्स्ट नॉवल द ब्लूएस्ट आई ठीक है जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तब मेरे सिलेबस में इनका ये जो नॉवल है ना ये मैंसन था ब्लूएस्ट आई वॉज पब्लिश इन नाइनटीन सेवनटी तो इस जो ब्लूएस्ट आई है इसमें दिखाया गया है मतलब एक, एक एक जो है एक फादर एक मतलब एक फादर uh, अपनी बेटी को सड्यूस करता है इस प्ले के अंदर ठीक है इस तरीके के नॉबल हैं लिखे हैं इन लोगों ने नेक्स्ट टू सेवेंटी टू हु द फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर हु वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर ठीक है फर्स्ट नोबल नॉन यूरोपियन राइटर कौन थी जिन्हें नोबल प्राइज़ मिला तो हम ऊपर से अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो यूरोपियन राइटर हैं जिन्हें ब्रिटिश राइटर हैं अमेरिकन राइटर हैं इन्हीं को मोस्टली नोबल प्राइज़ मिला करता था लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब किसी नॉन यूरोपियन को नोबल प्राइज मिला तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर इंडिया से ठीक है नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड फेमिनिस्ट लिटरेचर फेमिनिस्ट लिटरेचर क्या होता है तो ऐसा लिटरेचर जो वुमेन की प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है उनके राइट्स की बात करता है उनकी लाइफ की बात करता है ऐसे लिटरेचर को हम फेमिनिस्ट लिटरेचर के नाम से जानते हैं ओके नेक्स्ट है टू एटी लिटरेचर प्रोड्यूसड बाई वुमेन राइटर्स वुमेन राइटर्स के द्वारा जो लिटरेचर लिखा जाता है उसे क्या बोलेंगे फेमिनस लिटरेचर बोलेंगे नेक्स्ट है टू एटी वन वॉट इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड फेमिनस लिटरेचर फेमिनस लिटरेचर के पीछे की मतलब आइडियोलॉजी क्या है मतलब आइडियोलॉजी ये है कि वुमेन को समाज में समान अधिकार मिले इक्वल राइट फॉर वुमेन इक्वल राइट इन सोसाइटी ठीक है उनको बराबर का अधिकार हो है ना कहाँ व को और समाज में भी बराबर अधिकार मिले इक्वल राइट इन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स राजनीति में भी समान अधिकार उनको मिले ठीक है जैसे पहले था विक्टोरियन एज में कोई मतलब वोमैन कुछ लिख नहीं सकती थी वो बैन था ब्रिटिश मतलब जब जब, जब रनिशा था मतलब एलिजेथन एज था तब क्या था कोई वोमैन मतलब स्टेज परफॉर्म नहीं कर सकती थी इस तरीके के बैन औरतों पर हमेशा से रहे हैं ठीक है प्रॉपर्टी में भी उनको हिस्सा नहीं मिलता शादी हो जाती है तो लड़कों का अधिकार होता है इस तरीके की चीज़ें ये एक प्रॉब्लम है कि ससुराल में भी उस लड़की को पता नहीं क्या क्या फिर झेलना नहीं पड़ जाए तो ये सारी बातें फिर कि उनको प्रॉपर्टी में मतलब उनको अधिकार मिलना चाहिए सोसाइटी में मिलना चाहिए सारी बातें की गई इस लिटरेचर में नेक्स्ट टाइम विच चाहिए दी टर्म फैमिन इज इन ग्रेट ब्रिटेन किस ईयर में ये जो टर्म है फैमिन अपीयर हुआ एटीन में ये टर्म जो है अपीयर हुआ ब्रिटेन में नेक्स्ट है ऑन विच मैटर फर्स्ट वे फेमिनिस्ट फोकस ठीक है तो ये जो आ, आ, ये जो है फेमिनिज्म है इसकी कई सारी वेव आई थी तो फर्स्ट वेव किस मैटर पर फोकस करती है आपको बताना है तो वोमेंस राइट टू वोट सफ्रेज एंड प्रॉपर्टी राइट वोमेन के अधिकारों की बात करती है फर्स्ट वेव ओके नेक्स्ट है व्हाट इज द पीरियड ऑफ सेकंड वेव फेमिनिज्म सेकंड वेव फेमिनिज्म कब आया इसका पीरियड मतलब टाइम नाइनटीन सिक्सटी टू नाइनटीन नेक्स्ट या इन विच मैटर सेकेंड वेव फैमिनिज्म फोकस किस मैटर पर सेकेंड वेव मतलब फोकस करती है किस मैटर पर कल्चर इनिक्वालिटीज जेंडर नेम्स रोल ऑफ वुमेन्स सोसाइटी पर ये बात करती है नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर टू एटी सिक्स वॉट इज द पीरियड ऑफ थर्ड वेव फेमिनिज्मीन नाइनटी टू टू थाउजेंड ठीक है 1990 से लेके दो हजार तक जो है थर्ड वेव का समय रहता है नेक्स्ट स्टाइल ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग ठीक है तो ये बताया मैंने वर्जीनिया वूल इज द मास्टर ऑफ दिस टेक्निक नेक्स्ट है हु ट्रीट सीरियस सब्जेक्ट इन प्लेफुल एंड ह्यूमरस वे सो पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑथर नेक्स्ट टू नाइन टू एटी नाइन रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स इज कॉल्ड इंटर टेक्चुअलिटी नेक्स्ट है टू नाइनटी विच टेक्निक फ्रॉम द बेस ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर थी उसका बेस क्या है मतलब कौन कौन सी टेक्निक थी जैसे इंटर टेक्चुअलिटी है ना मेटाफिक्शन पैक्सटिक फेबुलेशन इन टेक्निक्स का यूज करके इन टेक्निक्स का यूज करके जो है मोस्ट मतलब पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर लिखा गया नेक्स्ट है टू नाइनटी वन द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट इज कॉल्ड पेस्टिक नेक्स्ट है विच टेक्निक चैलेंज द रोल ऑफ नरेटर इन नोवल फैबुलेशन नेक्स्ट है व्हाट इज पॉइ मैना मेटाफिक्शन नेक्स्ट है टू फोर मैजिक रियलिज्म इज द मिंगलिंग ऑफ द रियलिस्टिक एंड फैंटास्टिक ठीक है जो मैजिक रियलिज्म है वो मिक्सचर है किसका रियलिस्टिक मतलब कुछ उसमें रियलिटी भी है और कुछ फैंटास्टिक मतलब ये सारे दोनों तत्वों को मिलाकर मैजिक रियलिज्म क्रिएट होता है नेक्स्ट है द पॉलिटिकल इकोनॉमिक और मिलिट्री प्री और कंट्रोल ऑफ वन स्टार ओवर अदर इस टर्म एज सिटिज्म ठीक है नेक्स्ट है टू नाइन्टी सिक्स द स्टेटमेंट गॉड इज डैड अपीयर इन वर्क ऑफ फ्रेडरिक निड जैक ठीक है ये स्टेटमेंट किसके वर्क में अपियर होता है तो फ्रेडरिक निड जैक ही सैड गॉड इज डैड Next at 297, who in his book The Death and Life of Great American Cities 1961 criticized the urban planning as it had developed within modernism and marked a transition from modernity to post modernity in thinking about urban planning? Frederick Nidjak. ठीक है फ्रेडरिक नेटजैग ये इनके कुछ वर्क हैं इंपॉर्टेंट जैसे द बर्थ ऑफ ट्रेजडी ऑन ट्रूथ एंड लाइज इन ए नॉर्मल सेंस एटीन सेवनटी थ्री फिलोसफी इन दी ट्रेजिक इज ऑफ क्रीक्स नेक्स्ट है टू नाइंटी एट लिपिस्टिक फेमिनिज्म इज अ वेरायटी ऑफ डैश लिपस्टिक वेराइटी दैट सीक्स टू असरटेन दैट वोमेन कुड स्टिल बी फेमिनिस्ट विदाउट इग्नोरिंग और नेगेटिंग देयर फेमिनिटी पार्टिकुलरली इन टर्म ऑफ सेक्सुअलिटी थर्ड वेव Feminism. Next year, two ninety-nine. Who concluded in his work that since meaning cannot come the author, it must be actively created by reader through a process of text, uh, textual analysis. And Roland Gerard Bath. Next year, A Lover's Discourse fragment is a nineteen seventy-seven book by Roland Gerard Bath. Keep नेक्स्ट है थ्री जीरो वन हु रोड दॉपुलर पॉपुलर नोवल्स लाइक मिड नाइट चिल्ड्रन नाइनटीन एटी वन दैटनिक वर्स इज़ नाइनटीन एटी टू एटी एट सॉरी सलमान रजदी सलमान रजदी के वर्क है सलमान रजदी ठीक है इज़ एन इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नोवलिस्ट इंडिया में बॉर्न है ये है ना और ऐसे इस्टज वर्क कम्बाइंड मैजिकल रियलिज्म जिनमें होती है एंड विद हिस्टोरिकल फिक्सन हज़ पॉपुलर नोवल्स आर है ना ग्रीमस मिड नाइट चिल्ड्रन और द ओके नेक्स्ट है थ्री जीरो टू हुई दर्म हिस्ट्रियोग्राफिक मेटाफिक्सन हिस्ट्रियोग्राफिक मेटाफिक्सन टर्म किसने कॉइन किया था तो लिंडा चैनसन लिंडा चैनसन ने ये टर्म जो है कॉइन किया था ओके नेक्स्ट है थ्री जीरो थ्री कैश ट्वेंटी टू इज सेटारिकल वार नोवल है ना पब्लिश इन अमेरिकन ऑथर अमेरिकन ऑथर के द्वारा लिखा गया कैच ट्वेंटी टू है ना जोसेफ हेलर का है ये वर्क नेक्स्ट है थ्री जीरो फोर द हिस्ट्री ऑफ मेडनेस नाइनटीन सिक्सटी वन आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नाइनटीन सिक्सटी नाइन डिसिप्लिन एंड पनिस नाइनटीन सेवेंटी फाइव एंड द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी नाइनटीन ये सारे वर्क हैं नोटेबल वर्क्स हैं पॉल माइकल डोरिया फोकॉल्ट के नेक्स्ट है थ्री जीरो फ़ाइव नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर ट्वेंटी ट्वेंटी वॉज अवॉर्डेड टू किस को दिया गया ट्वेंटी ट्वेंटी का मतलब जो नोबल प्राइज़ है लिटरेचर का सो लुइस ग्लक को मिला ये नेक्स्ट है थ्री मतलब तो जीरो सिक्स नोबल प्राइज इन लिटरेचर फॉर ईयर ए ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब टू जीरो ट्वेंटी वन हैज़बीन अवार्डेड टू द नोबलिस्ट अब्दुलरज़ाक गुना दो हज़ार इक्कीस का जो नोबल प्राइज़ था वो अब्दुलरज़ाक गुना को मिला था दो हज़ार बाईस और दो हज़ार तेईस का भी गूगल पर सर्च कर लीजिएगा तो आपको ये पता होना चाहिए ओके okay? uh, uh, so, so, नेक्स्ट है थ्री जीरो सेवन डेवलपिंग ए फॉर्म ऑफ सिमियोटिक एनालिसिस नोन एज डी कंस्ट्रक्शन जैक्स डरेडा नेक्स्ट थ्री जीरो एट विच वर्क इज ऑफन कंसिडर्ड एज प्रिडिक्टिंग पोस्ट मॉडर्निज्म एंड इज ए पैरागॉन ऑफ अल्टीमेट पैरोडी सो पायर मैन आर ऑथर ऑफ द क्यू सो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है मैजिक रियलिज्मीन सेंचुरी स्टाइल ऑफ फिक्शन एंड लिटरेरी जनरे ठीक है क्या है मैजिक रियलिज्मीन सेंचुरी स्टाइल ऑफ फिक्शन के लिटरेरी जनरे है नेक्स्ट है हु गेव फर्स्ट लेक्चर एंड टाइटल्ड फिक्शन एज थेरापी टू व्यू न्यू न्यू फैनोमेनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द नॉवल है ना पैट्रिका बुक ओके okay, ख़त्म हो गए ठीक है सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो और इसके साथ ही जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर था डॉक्टर रंजीत सर की बुक से हमने कंप्लीट कर लिया ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच